हेलो एवरीवन। सो मॉक टेस्ट नंबर 1 जो है, इसकी हम डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा exam.netmock.com के ऊपर और अच्छा स्कोर किया होगा। चलिए इसे आज डिस्कस करते हैं। दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम UPSC CSE 2014 बैच। यहाँ पे जो कट ऑफ रखी गई थी, जैसे आप जानते हैं कि 97 की रखी गई थी, 97 है, इससे ज़्यादा आपको स्कोर करना था। अगर आपका स्कोर 90 से 97 के बीच में, वो भी एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी टू बी इन द सेफ जोन। 85 से 90 के बीच का स्कोर जो है, वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट जो है अपने अंदर लानी पड़ेगी, और लेस देन 85 तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा ताकि 97 की जो कट ऑफ है इससे ऊपर आपके मार्क्स आ सके। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फुल फ्लेश टेस्ट हमारा ये रहने वाला है, तो इसमें करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सेक्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब चीज़ें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर फिशिंग कैट्स। फिशिंग कैट्स के लिए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो है अभी किस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए। देखिए यूपीएससी के अंदर होता क्या है, लास्ट एक साल के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक साल से पहले जाके करंट अफेयर्स नहीं पूछे जा सकते, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। इससे पहले जाकर भी यूपीएससी चाहे तो क्वेश्चंस बना सकती है, बट क्योंकि पिछले तो कितने भी साल में चले जाएं, आप 2 साल पुराना क्वेश्चन पूछ लें, 3 साल पुराना, इसकी कोई लिमिट तो है नहीं। तो इसी वजह से टू रिस्ट्रिक्ट आर प्रिपरेशन अप टू एन एक्सटेंट, हम एक साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, और अगर उससे भी पुराने करंट में से कोई अगर एक या दो क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो उसके लिए पूरा का पूरा साल के करंट अफेयर्स कवर करना बनता नहीं है। तो इसलिए कोशिश करिए कि पिछले एक साल के करंट अफेयर्स, जैसे कि जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है जून 2021 के अंदर, तो इससे पहले के एक साल के जो करंट अफेयर्स हैं उसको आप अच्छे से कवर करके जाइए। अगर उससे पहले भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक या दो क्वेश्चन हो सकता है वो आपको ना भी आते हो, तो उसे आप छोड़ सकते हैं, या फिर हो सकता है जो आपने एक साल के करंट अफेयर्स करें या फिर आपकी जो कॉमन सेंस है उसके बेसिस पे आप इन एक दो क्वेश्चन को आंसर कर दें। लेकिन उसके लिए पूरे एक साल पुराने करंट अफेयर्स पढ़ना, मतलब पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स पढ़ के जाना, थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है। तो एक साल आप अच्छे से कवर करिए और उसे फिर बार बार रिवाइज करिए, ये एक बेटर स्ट्रेटजी आपकी रहने वाली है। क्वेश्चन पे आते हैं, तो फिशिंग कैट्स प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क के अंदर 2 साल का कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स फिशिंग कैट्स के लिए स्टार्ट किया गया है, और भीतरकनिका कहाँ पर है, उड़ीसा, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट किया है। जो ये पर्टिकुलर कैट होती है, मैं आपको फोटो में दिखाऊंगा किस तरीके से दिखती है। फिशिंग कैट्स जो होती है, जो हमारे घरों में आम कैट्स होती है, उससे दुगना साइज होता है इसका, ठीक है। और नॉक्टर्नल टाइप की प्राणी है, मतलब जो रात को ये निकलती है शिकार करने के लिए, दिन के टाइम पे ये ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रॉग से लेके स्नेक्स, बर्ड्स, इन सब का शिकार करती है, और क्योंकि इसको लेके अभी एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एक राज्य के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर है, पूछा गया मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। तो ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये किसने रिलीज करी है। देखिए इस तरीके की रिपोर्ट्स किसने रिलीज करी है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और ये सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, अगर आप पीसीएस, यूपी पीसीएस के लिए या फिर यूके पीसीएस के लिए, एमपी पीसीएस के लिए, इनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये आंसर्स, ये जो इस तरीके के क्वेश्चन और उनके आंसर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जब भी आप तैयारी करें, अगर पीसीएस की भी तैयारी करें, तो उसी चीज़ को माइंड में रख के करिएगा। चलिए, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे रिलीज करती है, एफएटीएफ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या फिर यूनिसेफ, सोचिए। चलिए, तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने निकाली है, और यहाँ पे रिपोर्ट में बताया गया कि जितना ज़्यादा क्राइम जो है वो इंक्रीज होगा इस एरिया के अंदर, उतनी ज़्यादा जूनॉटिक डिसीजेज जो है वो भी फ्यूचर में बढ़ेंगे। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इंटरनेशनल कंसर्न ये है कि अगर आप इलीगल वाइल्ड लाइफ का ट्रेड करते हैं, ठीक है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में क्या करेंगे आप, जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं का ट्रेड करेंगे, और एनिमल से होने वाली एक बीमारी होती है, मतलब एक सेट ऑफ आप डिसीजेस कह सकते हैं जिसको जूनॉटिक डिसीजेस कहते हैं। तो जूनॉटिक डिसीज, जू से आप याद रखिएगा, जू में कौन रहता है, एनिमल, तो एनिमल से होने वाली डिसीजेस को जूनॉटिक डिसीजेस कहते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर अगर कोई भी डिसीज एनिमल से हुई है तो उसे जूनॉटिक डिसीज के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा, और ये कहा गया है कि जितना ज़्यादा आप इलीगल वायलेट ट्रेड करेंगे जूनॉटिक डिसीजेस के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है। और वैसे भी FATF काफ़ी एक फेमस एजेंसी, आपने सुना होगा पाकिस्तान को लेकर इसका नाम काफ़ी बार, इसने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट के अंदर और ब्लैक लिस्ट के अंदर डाला गया है, ठीक है। आप बताइएगा कि पाकिस्तान का एट प्रेजेंट स्टेटस क्या है, क्या ये ग्रे लिस्ट के अंदर है या ब्लैक लिस्ट के अंदर है FATF के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम या स्कीम्स इज और आर फॉर्मुलेटेड फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को लेकर कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं वो यहाँ पे लॉन्च करी गई हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम और स्कीम्स इज और आर फॉर्मुलेटेड फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए कौन कौन सी इन तीनों में से स्कीम्स बनाई गई हैं। एक है नई मंजिल, मे बी, नई रोशनी, उस्ताद। सोचिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए तो आंसर हमारा है यहाँ पे ए, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स और तीनों ही जो स्कीम्स हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए, चाहे वो नई मंजिल हो, नई रोशनी हो, उस्ताद हो। इसके अलावा कुछ और स्कीम्स के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए स्पेसिफिकली स्टार्ट करी गई हैं। मेंस में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपने माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए कंट्री ने क्या किए एम्पावरमेंट के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए क्या किए, तो आप इन स्कीम्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो सीखो और कमाओ एक अच्छी स्कीम है, गरीब नवाज कौशल विकास योजना है, नई मंजिल नई रोशनी हमने देख ली, उस्ताद भी देख ली, बेगम हज़रत महल गर्ल्स स्कॉलरशिप। तो यही चीज़ें आपको मेंस के आंसर में लिखनी होती हैं टू गेट द गुड मार्क्स। ध्यान रखिएगा इसको, वहाँ पे क्या होता है मेंस के आंसर जब हम लिखते हैं तो जनरल आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि हमने काफ़ी अच्छा काम किया है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए, लेकिन जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, जो स्कीम्स हमने स्टार्ट करी हैं, वो नाम हमारे ध्यान में नहीं आते, ठीक है। तो नाम यहाँ पे आपको स्कीम्स के पता होना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अ बिहेवियरल चेंज कैंपेन इज स्टार्टेड बाय। तो ये पर्टिकुलर कैंपेन जो है ये किसने स्टार्ट किया है, कैबिनेट ने किया है, नीति आयोग ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो नीति आयोग के द्वारा नेविगेटिंग द नॉर्मल द न्यू नॉर्मल अ बिहेवियरल चेंजिंग कैंपेन जो है इसको स्टार्ट किया गया, और इसमें किस चीज़ की बात करी जा रही है, कैसे न्यू बिहेवियरल चेंजेस जो हैं जो हम अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में बात करी गई है। जैसे कि मास्क वेयरिंग एक पर्टिकुलर बिहेवियर है जिसको अब सबको फॉलो करना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, इसके अलावा हैंड हाइजीन हो गया। देन पहले क्या होता था, लोग स्पिट कर देते थे पब्लिकली, अब इस चीज़ को भी रोकने की बात करी गई है क्योंकि इससे भी जो आपका कोरोना है वो फैल सकता है। तो इस तरीके के जो बिहेवियर चेंजेस होते हैं उनको लाने की बात करी गई है नीति आयोग के द्वारा बाय दिस न्यू कैंपेन, जो कि नाम है जिसका नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अ बिहेवियरल चेंजिंग कैंपेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द टर्म माइनॉरिटी इज़ नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर जो माइनॉरिटी टर्म है इसको डिफाइन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी, सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को रिकग्नाइज किया गया हमारे संविधान के द्वारा। अंडर आर्टिकल 30 ऑल द माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो आर्टिकल 30 के अनुसार जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये पूरा राइट बनता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करें और उसके बाद उसे एडमिनिस्टर भी करें। सोचिए फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए अभी रिसेंटली जो था, जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्या किया था, अब जो माइनॉरिटी राइट्स डे है उसे एवरी ईयर जो सेलिब्रेट किया जाता है उसे यहाँ पे अभी दोबारा से ऑब्जर्व किया गया था। तो टर्म माइनॉरिटी के बारे में बात करें तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी गई है, नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसी वजह से जो पहली स्टेटमेंट हमारी है द टर्म माइनॉरिटी इज़ नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। अगर बात करें आर्टिकल 30 की तो आर्टिकल 29-30 आपको पता है माइनॉरिटीज़ को लेकर है, और आर्टिकल 30 जो है वो बात करता है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये राइट है, पहले तो माइनॉरिटीज़ को ये राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एस्टैब्लिश करने के बाद उसे एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है। संविधान की बात करें अगर कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें दो तरीके की माइनॉरिटीज़ की बात करी गई है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट इसी वजह से इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट सांस्कृतिक सद्भाव मंडप। सांस्कृतिक सद्भाव मंडप के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली कहती है मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर सांस्कृतिक सद्भाव मंडप। तो मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने इनका जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा है। इट इज़ सिचुएटेड इन सतना मध्य प्रदेश में ये लोकेट करता है। इट इज़ बींग कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। तो PMJVK के अंदर इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो अभी रिसेंटली हुआ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने फाउंडेशन स्टोन रखा है सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का। तो पहली स्टेटमेंट इस वजह से इनकरेक्ट हो जाती है क्योंकि इट इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऐसा नहीं किया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने किया। और यह रखा भी कहां गया, ये रामपुर
मध्य प्रदेश के अंदर, सतना इज़ इनकरेक्ट, इसी वजह से सतना भी इनकरेक्ट हो जाता है। बट यस, तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, इसको प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंदर ही बनाया गया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम, PMFME स्कीम के बारे में आपको बताना है। कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है? पहली स्टेटमेंट कहती है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल दिए गए हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, 2020-21 से 24-25 तक। इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद एन आउटले ऑफ 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ का आउटले इसके लिए दिया गया है, और एक्सपेंडिचर जो स्कीम का होगा सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सोचिए फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए तो रिसेंटली मॉफपी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस पीएमएफएमई स्कीम जो है एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इसे लॉन्च किया है। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो होगा इस स्कीम के अंदर वो शेयर किया जाएगा 60:40 के रेशो में सेंटर स्टेट के बीच में, और कहीं जगह पे 90:10, कहाँ पे यूजुअली नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के साथ 90:10 का रेशो रहता है, तो इस वजह से तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। और जब आपको पता है कि तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी तो COD को उसी वक्त एलिमिनेट कर दीजिए। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो ठीक ही होगी, तो 5 साल का प्रोजेक्ट है बिल्कुल ठीक है, और इसका क्या आउटले 10,000 करोड़ का रखा गया है, सोचिए। तो यस, यहाँ पे 10,000 करोड़ का आउटले रखा गया, इस वजह से आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या कंट्रीज हैव साइंड एन अग्रीमेंट ऑन कोलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो ये जो पर्टिकुलर कोलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये किस किस के बीच में साइन किया गया है? इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया म्यांमार, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो ये पहला JV होने वाला है, JV क्या है, जॉइंट वेंचर होने वाला है इंडिया और भूटान के बीच में, तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जॉइंट वेंचर पार्टनर्स जो हैं इसके अंदर कौन होगा, हमारी तरफ से SJV एंड दैट इज सतलुज जल विद्युत निगम एंड द्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन फ्रॉम इंडिया एंड भूटान रिस्पेक्टिवली, तो भूटान की तरफ से होगा DGPC। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पर्टिकुलर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है कोलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया और भूटान के बीच में है। भूटान की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंडिया का बॉर्डर टच कर रहा है, ऊपर चाइना टच कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में, PMGKAY के बारे में पूछा गया है कि इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है PMGKAY इज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज टू हेल्प द पुअर फाइट द बैटल अगेंस्ट COVID-19। COVID-19 से फाइट करने के लिए जो PMGKP है उसका ये एक पार्ट है, हो सकता है। इट वॉज अनाउंस फॉर अ 3 month पीरियड अप्रैल मई जून कवरिंग 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स, इट विल कम टू एन एंड ऑन 30th June 2020। 3 महीने के लिए इसे इनिशियली अनाउंस किया गया था और 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को इंक्लूड किया गया था, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है बिल्कुल ठीक है, PMGKP का ये पार्ट है, और यहाँ पे जो पुअर लोग हैं वो COVID-19 से कैसे फाइट कर पाएं इसके लिए इसके अंदर उनको जो फूड है वो प्रोवाइड किया जाता है। ये स्टार्ट करी गई थी 3 महीनों के लिए इनिशियली, और 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स जो थे उनको इसके अंदर डाला गया था, लेकिन बाद में काफ़ी सारे स्टेट्स ने को कहा कि आप एक्सटेंड करो, और एक्सटेंशन जो था वो इसके ऊपर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अंदर किया क्या गया था, जो लोग NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवर किए गए हैं उनको 5 kg एक्स्ट्रा ग्रेन, इसमें क्या क्या होगा, वीट भी हो सकता है राइस भी हो सकता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और साथ में ही इन्हीं बेनिफिशियरीज को 1 kg ऑफ पल्स जो है दालें जो है वो फ्री में दी जाएंगी। ठीक है, और इन दालों के अंदर चाहे तो वो अपनी प्रेफरेंस भी दे सकते हैं रीजनल वाइज, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टार्स प्रोग्राम को लेकर है पूछा गया, स्टार्स प्रोग्राम को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है फर्स्ट स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट इट इज़ अप्रूव्ड बाय IMF, तो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है IMF के द्वारा अप्रूव किया गया है। इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन की जो गवर्नेंस है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी इसके बाद। इट इज़ इन लाइन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, SDG 4 के साथ ये अलाइन करता है, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्स की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नाम से पता चल गया कि स्कूल एजुकेशन की बात करी जा रही, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव करने की बात करी गई है, और साथ में SDG 4 जो है वो भी एजुकेशन की बात करता है, बट इट इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय IMF, इट इज़ अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक।
ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ होगा क्या, इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 6 इंडियन स्टेट्स। और कौन कौन से 6 इंडियन स्टेट्स इसमें कवर किए गए, हिमाचल प्रदेश है इसके अंदर, केरला है, एमपी है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है एंड राजस्थान है, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू इसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करी गई है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 बात करता है, देखिए एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एग्जाम के अंदर, तो उनकी तैयारी आपकी और भी अच्छे से होनी चाहिए। एक एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत होती है एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन के अंदर। तो आर ई डबल डी प्लस के बारे में क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया कि आर ई डबल डी प्लस को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या फिर कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। एग्जाम के अंदर भी आप कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन का टॉपिक है उसको आप राउंड करिए और जो पूछा गया करेक्ट या इनकरेक्ट उसको राउंड करिए या अंडरलाइन करिए, ताकि एग्जाम के टाइम पर आंसर देने वक्त आपको दोबारा से याद ना रखना पड़े या फिर दोबारा से उस क्वेश्चन को रीड ना करना पड़े। आप बस अपने सर्कल्स को देखें, अंडरलाइन को देखें और सीधा आंसर कर दें, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट समझ जाए। कीनिया हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू सबमिट रिजल्ट्स फॉर आर ई डबल डी प्लस। तो यहाँ पे कीनिया पहली कंट्री बन गया जिसने आर ई डबल डी प्लस के जो रिजल्ट्स हैं उसको सबमिट किया है। हो सकता है आर ई डबल डी प्लस इज अ मैकेनिज्म डेवलप्ड बाय ग्रीन पीस इन 2005। 2005 में ग्रीन पीस ने इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को डेवलप किया था। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो आर ई डबल डी प्लस की बात करी जाए तो युगांडा पहली ऐसी कंट्री है, सो इट इज़ नॉट कीनिया, इट इज़ युगांडा, जिसने अपने रिजल्ट्स जो हैं वो सबमिट करे हैं। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, इसी वजह से ए और सी भी एलिमिनेट हो जाता है। अब देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट को कि क्या ये ग्रीन पीस का कोई मैकेनिज्म है। तो नहीं, ये ग्रीन पीस का मैकेनिज्म नहीं है। आर ई डबल डी स्टैंड्स फॉर रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डीफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इज अ मैकेनिज्म डेवलप्ड बाय पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC की जो पार्टीज हैं उन्होंने इस फ्रेमवर्क को बनाया है। और आर ई डबल डी प्लस में जो प्लस का बेसिक मतलब है, जो फोकस कर रहा है, जो एम्फोसाइज कर रहा है, वो किस चीज़ के ऊपर कर रहा है कि कंजर्वेशन पे हमें ध्यान देना है, कंजर्वेशन के अलावा सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट पे ध्यान देना है और फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक को एनहेंस करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। सो डी विल बी द नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस पर्टिकुलर इन्फोग्राफिक के अंदर आर ई डबल डी प्लस के डिफरेंट फेजेस दिए हैं, जैसे कि पहला है रेडीनेस। वाट्सअप फ्रेमवर्क के बारे में बात करी गई है जिसमें नेशनल स्ट्रेटजीज, क्या आपके एक्शन प्लान होंगे, आपकी कंट्री की कैपेसिटी बिल्डिंग एक्शन प्लान के बारे में बात करी गई है। सेकंड में जब रेडीनेस आ जाती है तो फिर आप इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, जो नेशनल स्ट्रेटजीज आपने पहले से अपने बनाई थी उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जो एक्शन प्लान्स बनाए थे उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इस चीज़ के बारे में बात करी गई है। और फाइनली यहाँ पे रिजल्ट्स के बारे में बात करी गई है। चलिए ये मीन्स के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में है। पूछा गया गंगोत्री नेशनल पार्क को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में कि इसे 1989 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये कहां पे, उत्तरकाशी के अंदर ये सिचुएट करता है। हो सकता है गुरुमुख एट गंगोत्री ग्लेशियर द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा इज लोकेटेड इनसाइड द पार्क। तो गंगोत्री ग्लेशियर गुरुमुख जो है यहां पर वो कहां पे लोकेट करता है, इनसाइड द पार्क। द पार्क एरिया फॉर्म्स अ वायबल कॉन्टिन्यूटी बिटवीन गोविंद नेशनल पार्क एंड केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो पर्टिकुलर पार्क एरिया है ये एक तरीके से कॉन्टिन्यूटी है, किस किस के बीच में, गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि उत्तराखंड स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड जो है उसने परमिट किया एक प्रपोजल और ट्रांसफर ऑफ फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड जो गंगोत्री में लोकेट करती थी उसको ट्रांसफर किया जा रहा है रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि फॉरेस्ट लैंड को ट्रांसफर किया जा रहा है इस वजह से न्यूज़ थी इसके ऊपर। और आपको पता है कि जब भी इस तरीके से होता है तो आपको रिवाइवल ऑफ फॉरेस्ट भी करना पड़ता है, जिसे एफॉरेस्टेशन कहा जाता है। जितने ट्रीज आपको एक्स जगह पे काटने पड़े हैं उतने ही आपको वाई जगह पे लगाने पड़ते हैं। इस वजह से गंगोत्री नेशनल पार्क न्यूज़ में था और क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, क्या ये 1989 में एस्टेब्लिश किया गया था उत्तरकाशी के अंदर, बिल्कुल ठीक है। गुरुमुख एंड गंगोत्री ग्लेशियर गुरुमुख है, ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा माना जाता है और वो इस पार्क के अंदर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और जो पार्क एरिया है ये बेसिकली कॉन्टिन्यूटी फॉर्म करता है गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बात करता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को लेकर। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को लेकर पूछा है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ 5-year लोन टू द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो यहाँ पे हमें 5 साल का एक लोन जो है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से मिला है। मे बी इट इज़ ऑपरेटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर। तो ये जो
हमारा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है क्लीन गंगा का, ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के अंदर काम करता है एंड द प्रोग्राम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो सबसे पहले इट हैज़ अ 20,000 crore सेंट्रली फंडेड नॉन लैप्सेबल कॉर्पस इसको दिया गया है और मिला के इसके अंदर छोटे बड़े 288 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो यस वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 5 साल का लोन, ये भी बात ठीक है। इट इज़ ऑपरेटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, किसके अंदर सोचिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो इट इज़ नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, इनकरेक्ट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में है। प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसी जो है वो है NMCG। तो आंसर क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। मेन पिलर्स नमामि गंगे के अब हम देख लेते हैं क्योंकि मेंस के हिसाब से ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है इसके मेन पिलर्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात करी गई है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड रिवर सर्फेस क्लीनिंग की बात करी गई है, बायोडाइवर्सिटी एफॉरेस्टेशन का जो कंपोनेंट है वो भी इसके अंदर है, और पब्लिक अवेयरनेस जो है ताकि बिहेवियरल चेंज किया जा सके वो भी इसके अंदर डाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 14। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर सेक्टर इन इंडिया। आपको पता है 8 different core sectors होते हैं, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, इनके वेटेज के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ कि किसका वेट किससे ज़्यादा होता है, और आप लोगों ने भी इसका करेक्ट आंसर जो है कॉमेंट सेक्शन में कई बार किया है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कोर सेक्टर नहीं है, कंपेरेटिवली ईजी क्वेश्चन है। तो क्या कोल एक कोर सेक्टर नहीं है, वट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, टेक्सटाइल, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो आपको पता है COVID-19 की वजह से जो कोर सेक्टर है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ थी ये जो कॉन्ट्रैक्शन है 23% तक देखा गया है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा नंबर कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जो है वो जा रहा है और वो देखा गया इन पर्टिकुलर 8 sectors के अंदर। अब बात करी जाए कि कौन सा कोर सेक्टर है कौन सा नहीं है, तो कोल एक कोर सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी भी कोर सेक्टर है, और सीमेंट भी एक कोर सेक्टर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गए, सीमेंट मैंने आपको यहाँ बता ही दिया, स्टील हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, फर्टिलाइजर, ये सब कोर सेक्टर के अंदर आते हैं। टेक्सटाइल इज़ नॉट अ कोर सेक्टर, और आपसे नो ही पूछा था कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ओके, तो ये हमारे मेजर कोर सेक्टर्स हैं। तो फर्टिलाइजर जो है वो इम्प्रूव हुआ है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्शन क्रूड ऑयल में भी आपको देखने को मिला है, कोल के अंदर भी, इलेक्ट्रिसिटी में भी, नेचुरल गैस में भी कॉन्ट्रैक्शन है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में भी, सीमेंट और स्टील के अंदर भी सबसे ज़्यादा आपको स्टील के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 1.5 साल के। ठीक है, 1 साल के करंट अफेयर्स तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, और क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया दिस इज़ अ May 2020 डेटा, तो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं। तो जून में आपका एग्जाम है, जून 2021 में, तो मई 2020 से आपके करंट अफेयर्स तो कवर होने ही चाहिए, जो कि हम करने वाले हैं। आप टेंशन मत लीजिएगा इस चीज़ की, करंट अफेयर्स मई 2020 से ही कवर करेंगे। दिस इज द मई 2020 वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। पूछा गया IIP को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली कहती है इट्स बेस ईयर इज 2010-11, इसका जो बेस ईयर है 2010-11 है। इट इज़ पब्लिश्ड बाय NSO के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। IIP इज एन इंडिकेटर दैट मेजर्स द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक गिवन पीरियड के अंदर ये बेसिकली बताता है जो वॉल्यूम चेंज होता है उसके बारे में। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो सबसे पहले IIP के बारे में देखिए, याद रखने का तरीका बहुत आसान है। IIP आप कैसे लिखते हैं, IIP राइट, एग्जाम में भी कैसे लिखवा आएगा इस तरीके से, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ के IIP के II उठा लीजिए, II कैसा लग रहा है, 11 जैसा लग रहा है, 11 ही है बेसिकली। तो इसका बेस ईयर भी 2011-12 है। ठीक है, तो जब भी आप IIP देखें आई के II से समझ जाइएगा कि ये 11 है। ठीक है, तो 2011-12 इसका बेस ईयर हो जाएगा, तो 2010-11 अपने आप ही इनकरेक्ट हो जाएगा। और जब अपने फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया एग्जाम के अंदर तो ए भी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, बचे COD। इससे ये भी पता चल गया कि तीसरी स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसको सीधा ही मार्क कर दीजिए कि ये तो करेक्ट है ही, तो इसके बारे में सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि क्या इसे NSO के द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो मैं आपको बताऊं इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी जो है ये भी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी।
क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. एजी ऑफ इंडिया के बारे में तीन स्टेटमेंट्स हैं. पहली कहती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं. इंडियन पॉलिटी का ये क्वेश्चन है. एजी इज द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री. तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं कंट्री के सबसे हाइएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं. एंड आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रोवाइड करता है एडवाइस ऑफ द अटॉर्नी जनरल. ए जी जो है वो एडवाइस भी करते हैं ऐसा आर्टिकल 76 के अंदर बताया गया है. सोचिए फिर डिस्कस करते हैं. चलिए तो रिसेंटली जो के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनका कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया था. इस वजह से ये चीज़ न्यूज़ में थी, एग्जाम में पूछी जा सकती है. वेणुगोपाल वॉज अपॉइंटेड 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, और ये किया गया था 2017 के अंदर. उन्होंने मुकुल रोहतगी जो 2014 से 2017 तक अटॉर्नी जनरल रहे थे उनको सक्सीड किया था. और एजी को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा. ठीक है, और ये कैसे किया जाता है? ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो कहती है प्रेसिडेंट को वही फॉलो करना होता है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. बिल्कुल ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक है. साथ में ही अगर आप आर्टिकल 76 पढ़ेंगे देन उसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस भी करते हैं. तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा ए. कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें. ही और शी मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो ये उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर बात करी गई है. ठीक है, कैसे क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि उनको एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया जा सके. ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, काफ़ी बेसिक सी ये उनकी क्वालिफिकेशन है. एंड ही मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years और एन एडवोकेट सम ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 years. तो हाई कोर्ट के वो एडवोकेट रह चुके हों 10 सालों के लिए, या फिर जज रह चुके हों ऑफ सम हाई कोर्ट 5 सालों के लिए. ठीक है, या फिर एक एमिनेंट जूरिस्ट रह चुके हों इन द ओपिनियन ऑफ प्रेजिडेंट. ठीक है, और ओपिनियन का क्या मतलब है यहाँ पे? ये तो बेसिकली गवर्नमेंट की एडवाइस ही है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है राजाजी नेशनल पार्क के बारे में. पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट राजाजी नेशनल पार्क को लेकर करेक्ट है. पहली कहती है दिस एरिया इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न लिमिट ऑफ हैबिटेट ऑफ एशियन लायन. तो राजाजी नेशनल पार्क की बात करें तो ये क्या है? ये एरिया जो है नॉर्थ वेस्टर्न लिमिट है एशियाटिक लायन के हैबिटेट की. इट इज़ होम टू द वन गुज्जर्स इन द समर. तो वन गुज्जर्स समर में यहाँ रहने आते हैं, हो सकता है. इट वॉज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन 2015. 2015 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था. इट इंक्लूड्स साल फॉरेस्ट. इसके अंदर साल फॉरेस्ट भी होते हैं. सोचिए फिर डिस्कस करते हैं. चलिए देखिए, एक तरफ तो कह रहे हैं कि एशियाटिक लॉयन का हैबिटेट है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया है. चांसेस थोड़े से कम लगते हैं कि दोनों ही ये जो बिग कैट्स हैं यहाँ पर मिलते हों, तो इस वजह से दोनों में से एक स्टेटमेंट तो गलत होगी ही होगी. रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि वन गुज्जर्स जो हैं उनकी यहाँ पे एक तरीके से क्लैशेज हुई उत्तराखंड फॉरेस्ट ऑफिशियल के साथ राजाजी नेशनल पार्क के अंदर. इस वजह से ये पूरी न्यूज़ जो थी दी गई थी. वन गुज्जर्स की बात करें तो यस, इट इज़ होम टू द वन गुज्जर्स राजाजी नेशनल पार्क, लेकिन विंटर के अंदर, समर के अंदर नहीं. इस वजह से सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है और डी और ए को आप एलिमिनेट कर दीजिए. अब 1, 2 या 3, 4 अभी इनमें से एक आंसर आपका करेक्ट होने वाला है. अब बात करें क्या यहाँ पे एशियन लाइन जो है उनकी वेस्टर्न लिमिट है या नहीं है, तो यस दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. ऐसा नहीं है, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है. इस वजह से आपका बी भी एलिमिनेट हो जाता है और सी ऑटोमेटिकली आंसर हो जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2015 के अंदर. बिल्कुल ठीक है. साथ में ही जिस तरीके की यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप्स मिलती हैं, जैसे साल फॉरेस्ट हो गए मिल जाएगा आपको, रिवराइन फॉरेस्ट भी यहाँ मिल जाएगा आपको, ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट भी आपको मिल जाएगा, एंड स्क्रब लैंड, ग्रासी, ये सब जो टाइप्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 बात करता है कॉग एक्स 2020 के बारे में. पूछा गया कॉग एक्स 2020 क्या है. ठीक है, क्या ये समिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, या फिर समिट है वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर, कोई समिट है रिसर्च इन जूनॉटिक डिसीज के ऊपर, या फिर नन ऑफ द अबव. चलिए, कॉगएक्स क्या है? कॉगएक्स इज अ प्रेस्टीजियस ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड फेस्टिवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो होते हैं उनको प्राइजेस दिए जाते हैं. रिसेंटली माइगो कोरोना हेल्प डेस्क चैटबोर्ड जो हमने इशू किया था, लॉन्च किया था, उसको 2 अवार्ड्स मिले हैं. एक तो मिला है बेस्ट इनोवेशन का कोविड 19 के लिए, सेकंड मिला है पीपल चॉइस कोविड 19 ओवरऑल विनर. तो एक समिट थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसके ऊपर हमारे यहाँ पे जो चैटबोर्ड था उसको 2 प्राइजेस मिले हैं. ए इज़ द करेक्ट आंसर. 19th क्वेश्चन को देखते हैं. 36th एशियन समिट वॉज चेयर्ड बाय. तो 36वीं एशियन समिट जो थी वो किसने चेयर करी है?
रिसेंटली इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, सोचिए क्या मलेशिया ने करी है, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान। चलिए, तो आसियान दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करी गई थी और कोविड 19 पेंडेमिक रिस्पॉन्स के ऊपर इसे कंडक्ट किया गया था और इसे वियतनाम ने यहाँ पे चेयर किया है। इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, पीएससी में तो भरे हुए होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। यूपीएससी के अंदर भी मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं और काफ़ी ईजी होते हैं कंपेयर टू जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। स्टेटमेंट में आपको चार स्टेटमेंट दे रखी होती हैं, उन चारों में से अगर आपको एक के बारे में भी नहीं पता है तो आंसर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सीधा अगर आपको पता है किसने चेयर किया तो डायरेक्टली आप मार्क करके दो नंबर ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान ग्रुपिंग, तो आसियान ग्रुपिंग का इनमें से कौन मेंबर नहीं है। कई बार पूछ लेते हैं ऐसा, जैसे कि बिमस्टेक का भी पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन मेंबर नहीं है, G4 का मेंबर कौन नहीं है, क्वाड का मेंबर कौन है कौन नहीं है, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। सार्क का मेंबर कौन नहीं है, ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जो सार्क में है बिमस्टेक में नहीं है, या फिर बिमस्टेक में है आसियान ग्रुपिंग में नहीं है, तो ये कंट्रीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1967 में आसियान को लॉन्च किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था बैंकॉक के अंदर थाईलैंड में, और यहाँ पे आसियान डेक्लेरेशन, एक बैंकॉक डेक्लेरेशन के नाम से इसे जाना जाता है, वो आसियान के फाउंडिंग फादर्स ने साइन किया था, जिसमें फाउंडिंग फादर्स में कौन कौन थे, फाउंडिंग फादर्स में थे इंडोनेशिया, ठीक है, देन मलेशिया, देन फिलीपींस, साथ में सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। यहाँ पे सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस तो तीनों आ गए, मतलब इंडिया इज़ नॉट द मेंबर, ध्यान रखिएगा डी इज़ इनकरेक्ट। और आपको ये जो वेरियस कंट्रीज़ हैं आसियान के मेंबर्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने और हमारे एक सब्सक्राइबर थे संजीव, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे निमोनिक्स जो थे वो बना के दिए थे और कॉमेंट सेक्शन में लिखे भी थे, आप चाहें तो उन कॉमेंट्स को पढ़ सकते हैं और उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है कौन पब्लिश करता है इसको, क्या यूएन करता है, यूएनएफपीए करता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करता है, या फिर नन ऑफ द अबव, सोचिए। चलिए, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने ये स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट जो है इसको लॉन्च किया है और इसको इस पर टाइटल दिया गया है अगेंस्ट माई विल, Defying the practices that harm women and girls and undermine equality. तो women empowerment के ऊपर और किस तरीके से जो various practices है जो कि women और girls को नुकसान पहुँचाती है उनके ऊपर ये particular report जो है उसको publish किया गया है UNFPA के द्वारा, that is United Nation Population Fund के द्वारा। B is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बात करता है G4 इन्फ्लुएंजा के बारे में। G4 इन्फ्लुएंजा अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्यों था वो भी बताऊंगा, बट पहले इसको लेकर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है इट वाज आइडेंटिफाइड थ्रू सर्वेलेंस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस इन पिक्स, तो पिक्स के अंदर इसका सर्वेलेंस किया गया और उसके बाद इसे आइडेंटिफाई किया गया। साइंटिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ रीसेंट इन्फेक्शन इन पीपल हु वर्कड इन स्वाइन इंडस्ट्री इन चाइना, तो चाइना के अंदर स्वाइन इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते थे उसके अंदर ये पाया गया है। करंटली फ्लू वैक्सीन डू नॉट अपीयर इन द प्रोटेक्ट अगेंस्ट इट, तो अभी ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी है जो कि इसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देती हो, सोचिए। चलिए, तो यहाँ पे G4 इन्फ्लुएंजा जो है बिल्कुल सही है, पिग्स जो है उनसे ये फैलता है और रिसेंटली चाइना के अंदर ऐसा कुछ वर्कर्स के अंदर जो पिग इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ पे पाया गया है और इसके अगेंस्ट भी अभी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एक पेंडेमिक बन सकता है अगर इसको ना रोका गया तो। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी, तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि गालवान वैली के बारे में है, पूछा गया रिसेंटली, गालवान वैली भी न्यूज़ में थी। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर कोई भी मिलिट्री या आर्मी से कोई भी आपके इंटरव्यू बोर्ड में बैठा है तो वो पूछ सकते हैं आपसे कि गालवान वैली की लोकेशन बताइए, ये जो आपका एक पर्टिकुलर लेह का पॉइंट है या फिर LAC जो है उससे कितनी दूर है और ईस्टर्न डायरेक्शन में पड़ती है, वेस्टर्न डायरेक्शन में पड़ती है, चाइना के साथ पड़ती है या फिर पाकिस्तान के साथ पड़ती है, तो इस तरीके की चीज़ें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर भी, ठीक है। जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मुझसे भी पूछा गया था अक्साई चीन के बारे में, मुझसे पूछा गया था, तो यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर, लेकिन कोई भी चीज़ अगर रिसेंटली न्यूज़ में है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो गालवान वैली इज़ रिसेंटली न्यूज़ इन, लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेट करती है, लद्दाख के अंदर, जम्मू के अंदर, अरुणाचल या फिर कश्मीर के अंदर, सोचिए। चलिए पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सो दिस इज़ द अक्साई चीन वाला रीजन एंड दिस इज़ द गालवान, ठीक है। चाइना को लेकर अभी ये न्यूज़ में थी, द वैली इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन लद्दाख इन द वेस्ट एंड अक्साई चीन इन द ईस्ट, तो यहाँ पे वेस्ट में लद्दाख है, अक्साई चीन ईस्ट में, विच इज करंटली कंट्रोल्ड बाई चाइना एज पार्ट ऑफ इट्स
शिनजियांग उग्यार ऑटोनमस रीजन, ठीक है, तो शिनजियांग उग्यार ऑटोनमस रीजन के तौर पे ये चाइना जो है इसको कंट्रोल कर रहा है, तो लोकेट कहाँ करती है, लद्दाख के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में पूछा गया, PCA जो है ये कहाँ पे लोकेट करती है, क्या जर्मनी में है, फ्रांस में है, इंग्लैंड में है या फिर नेदरलैंड में है, सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दैट इज PCA, इसको 1899 में एस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर इसका नेदरलैंड हेग के अंदर है, ध्यान रखिएगा। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डेडिकेट किया गया ताकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजोल्व किया जा सके, वेरियस स्टेट्स के बीच में जो टाइम टू टाइम डिस्प्यूट होते रहते हैं उसको रिजोल्व किया जा सके इस पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन कोर्ट के थ्रू, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस फंड भी है इसके पास, विच एम्स करता है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि उसके जो आर्बिट्रेशन की कॉस्ट होती है वो उसको मीट कर पाए। रिसेंटली जो PCA है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसने एक पब्लिश किया था एक एक्सट्रैक्ट फाइनल अवार्ड इन द एडहॉक ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड टू सेटल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू अनक्लोज UNCLOS यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी, जो इटालियन मरीन के साथ इंडिया का केस चल रहा था उसके कंसर्निंग जो फाइनल एक्सट्रैक्ट था, फाइनल अवार्ड जो था वो इन्होंने यहाँ पे पब्लिश किया था, ध्यान रखिएगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय, तो यहाँ पे IDSP जो है किसने लॉन्च किया है। IDSP बेसिकली एक पोर्टल है, वन ऑफ द आप कह सकते हैं वन स्टॉप पोर्टल है, जो कि वेरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे कि डेटा एंट्री से लेकर रिपोर्ट्स अगर देखनी है, कोई भी आउटब्रेक को लेकर रिपोर्टिंग करनी है, डेटा एनालिसिस करना है, ये सब चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो क्या इसे MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, ICMR ने या फिर WHO ने, सोचिए। चलिए, तो इसे काफ़ी टाइम पहले 2004 के अंदर ही लॉन्च कर दिया गया था, दोबारा से ये न्यूज़ में थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक। इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन असिस्टेंस विद वर्ल्ड बैंक इन 2004। दोबारा से न्यूज़ में था तो पूछा जा सकता है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बात करता है अस्त्र मिसाइल के बारे में, पूछा गया अस्त्र मिसाइल को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली कहती है इट इज़ डेवलप्ड बाय DRDO, तो डेवलपमेंट किसने किया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये एक BVR है, बियॉन्ड विजुअल रेंज क्लास ऑफ सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल सिस्टम है, हो सकता है। देन मिसाइल हैज़ ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी एंड विल सर्व एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एंड इमीडिएटली और इमेंसली एड टू द स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स। तो यहाँ पे ये जो मिसाइल है ऑल वेदर मिसाइल है, डे एंड नाइट में काम कर सकती है और एक तरीके से जो हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसमें मल्टीप्लायर का काम करेगी, सोचिए। चलिए अस्त्र के बारे में बताऊं मैं आपको, तो यहाँ पे DRDO ने इसे डेवलप किया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें DRDO डेवलप करती है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो HAL को दी जाती है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो डिफेंस रिसर्च ने ही इसे किया है डेवलप, बिल्कुल ठीक है। बियॉन्ड विजुअल रेंज है, बिल्कुल सही है, लेकिन इट इज़ एन एयर टू एयर मिसाइल, ए से अस्त्र, ए से एयर, ध्यान रखिएगा एयर टू एयर मिसाइल है, सर्फेस टू सर्फेस नहीं है, इस वजह से सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, इस वजह से COD भी एलिमिनेट हो जाते हैं। और तीसरी स्टेटमेंट तो यहाँ पे बताई रखी है, अपने आप ही करेक्ट है, तो तीसरी स्टेटमेंट को मार्क कर दीजिए। तो स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी, ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी से इंक्रीज होने वाली है, आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को लेकर है, पूछा गया हेड कौन है इसका, क्या प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, होम मिनिस्टर हैं, सोचिए। चलिए तो यहाँ पे बात करें डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन द डिफेंस सेक्टर। इसमें होता है क्या, बेसिकली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए कुछ भी आपको एसेट को एक्वायर करना है तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है इसका रोल काफ़ी कॉन्स्पिक्यूस रहता है और इसको हेड कौन करते हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इसको हेड करते हैं, ठीक है। सो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है ही इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल एंड स्टार्टिंग में बात करीजिए इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने रेकमेंड किया था 2001 के अंदर जब कारगिल वॉर हुई थी 1999 के अंदर, तो उसके बाद एक GOM बनाया गया था और उन्होंने दो साल के बाद 2001 में बताया कि हमें एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की ज़रूरत है और इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी किया है अगर हम एसेट एक्विजिशन की बात करते हैं उस एरिया के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बात करता है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है आपका बेसिकली ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है कि बॉर्डर ऑफ बोत्सवाना के बारे में पूछा गया कि कौन सी कंट्री बोत्सवाना के बॉर्डर को टच करती है, साउथ अफ्रीका करती है, नामीबिया, जाम्बिया, सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए
अभी हुआ क्या, न्यूज़ में क्यों उतना है? क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स जो हैं मिस्टीरियसली बोत्सवाना के अंदर उनकी डेथ हो गई है, इस वजह से काफ़ी न्यूज़ जो थी इसको लेकर आ रही थी। और इसका एक बार बॉर्डर देख लेते हैं, बोत्सवाना कहाँ लोकेट करता है, सदर्न अफ्रीका के अंदर है, तो बोत्सवाना इज़ हियर, ऊपर इसका जाम्बिया है, देन जिम्बाब्वे है, साउथ अफ्रीका है, नमीबिया है, एंड देन ऊपर अंगोला भी है, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका से बॉर्डर टच करता है, यस पीछे देखा था, नमीबिया से करता है, बिल्कुल करता है, और जाम्बिया से भी करता है, तो तीनों से ही बॉर्डर टच कर रहा है, ध्यान रखिएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये सब चीज़ों को आंसर आप कब कर पाएंगे, जब इस तरीके के जो मैप्स हैं आप अपने रूम में जहाँ भी आप स्टडी करते हैं वहाँ लगा लेते हैं और उसे 5-5 मिनट दिन रात देखते रहते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI को लेकर है, ठीक है। पूछा गया PMI को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है PMI इज एन इंडेक्स ऑफ द प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर दोनों इंक्लूड होते हैं और इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है। IIP कवर्स द ब्रॉडर इंडस्ट्रियल सेक्टर कंपेयर टू PMI। IIP जो है काफ़ी ब्रॉड है कंपेयर टू PMI और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर को कवर करता है, ये भी हो सकता है, मतलब PMI इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। PMI इज मोर डायनामिक कंपेयर टू द स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स। तो यहाँ पे जो दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स हैं उसके कंपैरिजन में PMI जो है ज़्यादा डायनामिक है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में देखते हैं। तो इंडेक्स जो है बेसिकली आपको मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के ट्रेंड्स दिखाता है, तो बिल्कुल ठीक है, दोनों एरियाज़ के ट्रेंड्स जो है आपको दिखाए जाते हैं इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। लेकिन अगर IIP से कंपेयर करें तो उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा ब्रॉड है। लेकिन PMI के बारे में बात करें तो ये ज़्यादा डायनेमिक है कंपेयर टू अदर इंडेक्सेस। IHS मार्केट इंडिया सर्विस करके है, IHS मार्केट इंडिया सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स, दैट इज सर्विस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI के अंदर आता है। ये इसने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया था कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो भी फोर्थ कंजेकटिव मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब श्रिंक कर रहा है, इस वजह से इसको लेकर न्यूज़ थी, PMI को मैंशन भी किया गया था न्यूज़ के अंदर। तो PMI, IIP, IIP से आपको याद होगा IIP, II स्टैंड्स फॉर 11 की तरह दिखता है, 2011-12 इसका 20 है, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। IIP PMI के बारे में पढ़ के जाइएगा, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के रीज़न बता रखे हैं क्या क्या हैं, ठीक है, और इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी इसमें बता रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 30th। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट UNU, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। UNU इज़ ए ग्लोबल थिंक टैंक एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन, मे बी हेडक्वार्टर UNU का न्यूयॉर्क के अंदर है, सोचिए। चलिए रिसेंटली यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट दी है ग्लोबल ई वेस्ट के बारे में, और इसमें बताया गया कि ग्लोबल ई वेस्ट जो है 38% तक इंक्रीज़ हो जाएगा अगले 10 सालों के अंदर, 2020 से 30 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे यस इट्स अ थिंक टैंक पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो जापान के अंदर लोकेट करता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 31st। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री पोस्ट वर एस्टैब्लिश बाय पोर्टुगीज इन इंडिया। तो कौन कौन सी ऐसी मिलिट्री पोस्ट थी जो कि पोर्टुगीज के द्वारा एस्टैब्लिश करी गई थी इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, ठीक है, उतना ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं है, नेवरदलेस जैसे हमारी हिस्ट्री जो है 1550 से ही शुरू हो जाती है, वहाँ से लेके हम 1947 तक पढ़ते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में ही इसे काउंट करेंगे, जिसमें वेरियस यूरोपियन कंपनीज और यूरोपियन पावर इंडिया के अंदर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। पहला है सेंथोम क्या पोर्टुगीज ने एस्टैब्लिश किया था। नागापट्टनम, सेंट जॉर्ज, सोचिए। चलिए तो सेंथोम के बारे में मैं आपको बताऊं तो सेंथोम चेन्नई में लोकेट करता है, एंड यस इट वाज वन ऑफ द मिलिट्री पोस्ट ऑफ पोर्टुगीज। पहली यहाँ पे जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नागापट्टनम आंध्रा में लोकेट करता है, ये भी पोर्टुगीज के एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री पोस्ट थी, लेकिन सेंट जॉर्ज नहीं था। सेंट जॉर्ज किसकी मिलिट्री पोस्ट थी मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर, आपको याद होना चाहिए, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कार्टेज सिस्टम के बारे में पूछा गया, कार्टेज सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, क्या अल्फेंसो द एल्बकर्की ने किया था, नीनो द कूना ने, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा ने, या फिर नन ऑफ द अबव, किसी और ने ही किया था, सोचिए। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रांसिस्को डे अल्मेडा वाज द गवर्नर जिसको पोर्टुगीज ने भेजा था इंडिया में, तो प्रॉबेबली ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जिसको इंडिया में भेजा गया था। और यहाँ पे क्योंकि नेवी पावर जो थी वो पोर्टुगीज की काफ़ी अच्छी थी, इसको चैलेंज करने के लिए अरब्स ने, इजिप्शियन नेमोर स्पेसिफिकली और गुजराती नेवी दोनों ने हाथ मिलाए और कहा कि हम
अल्मेडा को यहाँ पे एंट्री नहीं करने देंगे। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो अल्मेडा की नेवी थी उसको दिया, और इवेंचुअली इसमें उसको हराया भी, और उनके जो बेटे थे, अल्मेडा के जो बेटे थे, वो इस पर्टिकुलर बैटल के अंदर मारे गए थे। यहाँ पे फ्रांसिस्को डे अल्मेडा जो थे उनको काफ़ी गुस्सा आया, और उनको ऐसा लगा कि देखिए इनको तो मेरे को हराना ही है, लेकिन एक सिस्टम जो है वो भी मुझे इंट्रोड्यूस करना है इंडियन ओशन के अंदर, ताकि हम अपना डोमिनेशन वहाँ बना सकें। तो अल्मेडा का जो पूरा विजन था वो उसकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी, कि किस तरीके से इंडियन ओशन को हम डोमिनेट कर सकें। तो ब्लू वाटर पॉलिसी, या जिसको कार्टे सिस्टम कहते हैं, ये अल्मेडा लेके आए थे इंडियन ओशन के अंदर पोर्टुगीज़ का दबदबा बनाए रखने के लिए। और जब यहाँ पे उनको एक बार हार मिली, उन्होंने अपने आप को रिकॉन्ग्रिगेट किया, दोबारा से स्ट्रेटेजी बनाई और दोबारा से इंडिया में दाखिल होने की कोशिश करी, और इस बार अरब आर्मी, गुजराती नेवी, अरब नेवी सबको यहाँ पर हरा कर इंडिया में उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुली अपनी एंट्रेंस करी थी। सो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु सक्सीडेड अल्मेडा एज द नेक्स्ट पोर्टुगीज़ गवर्नर। जब अल्मेडा थी, उनको यहाँ से वापस बुला लिया पोर्टुगीज़ के अंदर, उनके बाद कौन से गवर्नर यहाँ पे आए? क्या नीनो दो कोना ने आए, वास्को डी गामा आए, लोपोसोरिस दे अल्बर्टेरिया आए, अल्फेंजो दे अल्बेकर की है? सोचिए। चलिए तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है डी, अल्फेंजो दे अल्बेकर की जो थे उन्होंने अल्मेडा को क्या किया था, सक्सीड किया था। और यहाँ पे एक और चीज़ से उनको जाना जाता था, उनको कहा जाता था दैट ही वॉज द रियल फाउंडर, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन द ईस्ट। ठीक है, बहुत से लोग सोच सकते हैं कि ये जो दर्जा है रियल फाउंडर का अल्मेडा को दिया जाता होगा क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट, बट ऐसा नहीं है, ये जो दर्जा है अल्फोंसो अल्बकर्की को दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है अल्बकर्की के बारे में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अल्बकर्की को लेकर करेक्ट है, कौन सा कथन अल्बकर्की को लेकर सही है। अल्बकर्की के बारे में देखते हैं, तो उसने क्या परमिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था? तो यस, परमिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था अल्बकर्की के द्वारा, और गोवा को लिया गया था सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 के अंदर। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। जब हम वेस्टर्न पावर्स की बात करते हैं तो जो मेल प्रैक्टिसेस होती हैं, सोशल इविल्स होती हैं, उनको उन्होंने यूजुअली कभी भी एनकरेज नहीं किया, रादर इसको एबोलिश किया था अल्बकर्की ने। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अल्बकर्की की पॉलिसी के साथ थी, वो थी परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स को यहाँ पे मारा जा रहा था, दैट वाज द प्रॉब्लम विद अल्बकर्की। डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम नीनो द कूना के बारे में पढ़ेंगे। पूछा कि नीनो द कूना को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ही शिफ्टेड द हेडक्वार्टर ऑफ द पोर्टुगीज गवर्नमेंट इन इंडिया फ्रॉम गोवा टू कोचीन। तो इन्होंने क्या किया, गोवा से कोचीन में हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया पोर्टुगीज के। देन बहादुर शाह सीडेड आयरन ऑफ बसीन टू पोर्टुगीज ड्यूरिंग हिज टाइम। इन्हीं के टाइम पर ही बहादुर शाह ने जो आयरन ऑफ बसीन था वो शिफ्ट किया किसको, पोर्टुगीज को। हो सकता है ही अटेम्प्टेड टू इंक्रीज पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल, बंगाल के अंदर भी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इन्होंने एफर्ट्स किए। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहाँ पे नीनो द कूना के बारे में अगर पढ़ा जाए तो इन्होंने हेडक्वार्टर को गोवा से कोचीन, रादर कोचीन से गोवा में शिफ्ट करने के लिए एफर्ट किए थे और कर भी दिया था। तो पहली स्टेटमेंट इस वजह से इनकरेक्ट हो जाती है, और ये काफ़ी क्रूशियल स्टेटमेंट है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम के अंदर जहाँ पे क्रूशियल स्टेटमेंट होते हैं जिसको आप एलिमिनेट कर देते हैं अगर, तो आपको सीधा ही आंसर मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह ने सीड किया था आइलैंड ऑफ बसीन नीनो द कूना के अंडर, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बंगाल के अंदर भी इन्फ्लुएंस, जहाँ पे अभी तक ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था, वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए एफर्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज और वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोर्टुगीज स्ट्रॉन्ग होल्ड। पोर्टुगीज के स्ट्रॉन्ग होल्ड के रीजन्स क्या थे, क्या उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका रीजन था, नेवल पावर, या फिर कैनन्स ऑन शिप्स एक इसका रीजन हुआ करता था? सोचिए। चलिए तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, जस्ट लाइक द ब्रिटिश, आप आर्मी और नेवी की बात कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो थे इनके भी काफ़ी अच्छे थे। नेवल पावर तो आप जानते हैं, अल्मेडा आए थे और उन्होंने कैसे गुजरात की नेवी को और साथ में ही जो अरब नेवी थी उनको वहाँ पे क्रश कर दिया था। शिप्स के ऊपर इनके कैनन लगे हुए थे, डबल डेकर शिप्स भी इनके पास अवेलेबल थी, तो इनके पास बेसिकली टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफ़ी अच्छे थे और डिसिप्लिन भी काफ़ी अच्छा था। तो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो पोर्टुगीज इन इंडिया को लेकर है। पूछा गया पोर्टुगीज इन इंडिया को लेकर बताएं कि उनके कौन कौन से बंदरगाह यहाँ पर थे, कौन कौन से सी पोर्ट्स उनके यहाँ पर अवेलेबल थे, क्या कैलीकट उसमें से एक है, व्हाट अबाउट कोचीन, कैन्नोर, मैंगलोर? सोचिए। चलिए तो काफ़ी सारा कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया जो था वो पोर्टुगीज़ की पावर के अंडर आ गया था। अगर आप जो हमारा सदर्न इंडिया जो कोस्टल रीजन है उसको बात करें तो वास्को डी गामा 1498 में ही आए थे और उसके 50 साल के अंदर ही 1550 तक
काफ़ी सारे रीजन्स आप देख सकते हैं मैप के ऊपर पोर्टुगीज़ की हिरासत के अंदर आ चुके थे। तो यहाँ पे कैलीकट हो, कोचीन हो, कैनोर, मैंगलोर, ये सभी जो थे पोर्टुगीज़ के सी पोर्ट थे, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, जो कि बात करता है विच द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया एंड लास्ट टू लीव। मैंने आपको ये स्टेटमेंट बार बार बताई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पहले यूरोपियंस इंडिया में आने वाले कौन थे और वो सबसे लास्ट में गए भी थे, सोचिए। चलिए तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा पोर्चुगीज़। ये सबसे पहले आए थे इंडिया के अंदर, इनके बाद ही ब्रिटिश, डच और फ्रेंच पावर ने आना शुरू किया, लेकिन इनका जो एग्जिट था वो सबसे लास्ट में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। वॉइसरॉय वॉज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर पोर्टुगीज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, वट वॉज हिज टेन्योर। तो अगर हम यहाँ पे वॉइसरॉय किसकी, पोर्टुगीज वॉइसरॉय की बात करें, तो उनका टेन्योर कितने साल का था, 3 साल का, 2 साल का, 1 या फिर 5 साल का। चलिए तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं पोर्टुगीज एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उनके जो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे उसे वॉइसरॉय कहा जाता था, और यहाँ पे एक सेक्रेटरी और एक काउंसिल भी उनको हेल्प करने के लिए काम के लिए दिया जाता था, और टेन्योर जो था वो 3 साल का था। सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट पोर्टुगीज रिलीजियस पॉलिसी। तो यहाँ पे पोर्टुगीज की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है कि उसने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना शुरू किया, हो सकता है मुस्लिम्स को परसिक्यूट करना शुरू किया और हिंदुइज्म की रिस्पेक्ट करी, सोचिए। देखिए सेकेंड तो मैंने आपको बताई रखा है करेक्ट है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, सेकेंड अगर करेक्ट है तो ए और बी तो एलिमिनेट हो ही जाएगा, अब सोचिए बाकी का। चलिए तो यहाँ पे जब रिलीजियस पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से आए थे ये लोग, तो इनका मुख्य उद्देश्य था, जो मेजर ऑब्जेक्टिव इनका था वो ये था कि कैसे प्रोसेलिटाइजेशन किया जाए। अब प्रोसेलिटाइजेशन क्या होता है, इट इज़ द कन्वर्जन, कि किस तरीके से कन्वर्जन किया जाए, कैसे हिंदू और मुस्लिम्स को, बुद्धिस्ट को यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराया जाए। तो प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इनका एक मुख्य मकसद था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हिंदुइज्म की रिस्पेक्ट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। स्टार्टिंग में कह सकते हैं कुछ टाइम तक उन्होंने हिंदुइज्म को यहाँ पर एक सर्टन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दी थी, लेकिन बाद में परसिक्यूशन हिंदूज़ का भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में है, पूछा गया इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली कहती है, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये पहला स्टेप था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, हो सकता है। इट रिकग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। पहली बार पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकग्नाइज किया गया इस एक्ट के अंदर। थर्ड, इट अलाउड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड। इसने अलाउ किया सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी को, कंपनी के सर्वेंट्स को, कि आप चाहो तो प्राइवेट ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहां पे दिस पर्टिकुलर एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो फाउंडेशन थी इस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा रखी गई, जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये पहला स्टेप था अपने आप में, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे उन्होंने लिया ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे ठीक हो जाती है। साथ में ही यहाँ पे पहली बार रिकग्नाइज किया गया किसको, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी को, कि पॉलिटिकल फंक्शन कंपनी के कौन से हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इसके कौन से हैं। एट द सेम टाइम सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी को, जो पहले वो प्राइवेट ट्रेड किया करते थे और काफ़ी सारी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहते थे, वो चीज़ की मनाही कर दी गई थी इस एक्ट के द्वारा। इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। अभी तक क्या होता था कि जो ब्रिटिश कंपनी थी उसका बेसिकली, उसके ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल ज़्यादा था नहीं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल कंपनी के ऊपर दिखना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कि गवर्निंग बॉडी में थे कंपनी की, वो अपने रेवेन्यू और सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो थे, वो चीज़ उन्होंने, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना शुरू कर दी थी, जो कि पहले नहीं किया जाता था। तो मेजर इन्फॉर्मेशन जो थी अब वो फ्लो हो रही थी कंपनी से लेकर गवर्नमेंट तक। चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लेकर ही क्वेश्चन है, पूछा गया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के फीचर्स के बारे में बताइए, कि इन तीनों में से कौन कौन से फीचर्स इस एक्ट के थे। पहली कहती है स्टेटमेंट, इट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो बना दिया गया। सेकेंड, इट क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। तो यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर्स के साथ बनाई गई, हो सकता है। इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। कैलकाटा के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बनाने की, एस्टैब्लिश करने के लिए भी इसने प्रोवाइड किया, सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए देखिए यहाँ पे होता क्या है, गवर्नर ऑफ बंगाल जो होते हैं प्रमोटेड टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इस तरीके से सीक्वेंस में चीज़ें चलती हैं। और यहाँ पे दिया गया गवर्नर ऑफ बंगाल को मतलब जीबी को जीजीआई बना दिया गया। देखिए सीक्वेंस क्या है, गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टली ये शिफ्ट नहीं होगा। तो इस वजह से पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है आपकी, इस वजह से ए और बी आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। और क्योंकि ऑप्शन टू दोनों में है वो अपने आप ही करेक्ट हो जाता है कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल चार मेंबर्स के साथ बनाई गई थी ताकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट किया जा सके। इसके अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात करी गई थी, तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है कैलकाटा के अंदर सुप्रीम कोर्ट बनाने की भी बात इसमें करी गई थी, इस वजह से आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड देयर इज अ नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत है, ऐसा किसने कहा था, एम एन रॉय ने, नेहरू ने, तिलक ने या फिर जी वी मावलंकर ने, सोचिए। चलिए तो एम एन रॉय अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया 1934 के अंदर, तो उन्होंने एक सजेशन दिया था कि इंडिपेंडेंस के बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, ऐसा आप स्पेक्ट्रम की बुक में पढ़ भी सकते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, 1781 का जो अमेंडिंग एक्ट है उसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773, 1773 का जो रेगुलेशन एक्ट था उसके अंदर जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए लेके आया गया था। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तौर पे भी जानते हैं। इट कंबाइंड द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी, कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को इसने कंबाइन कर दिया था, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहाँ पे रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, और इसको अमेंडिंग एक्ट भी इसलिए कहते हैं कि अमेंड करने का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को चेंज करना, क्योंकि रेगुलेशन एक्ट जो था हमारा 1773 का उसके अंदर कुछ कमियाँ थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए, उन कमियों को रिमूव करने के लिए ये एक्ट लेके आया गया था। और इसी वजह से जब आप कहते हैं कि कमियों को आपने दूर कर दिया, तो मतलब कमियों को आपने सेटल कर दिया, तो इस वजह से एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसको कहा जाता था। इसमें हुआ क्या, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैंने आपको तरीका बता रखा है, सी स्टैंड्स फॉर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सी स्टैंड्स फॉर कमर्शियल, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कमर्शियल फंक्शंस को देखते थे, ठीक है। और यहाँ पे एक न्यू बॉडी क्रिएट करी गई थी जिसे कहा गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बी स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बी स्टैंड्स फॉर ब्यूरोक्रेसी, और ये जो पर्टिकुलर बॉडी थी ये किसको देखती थी, ये ब्यूरोक्रेसी या फिर पॉलिटिकल फंक्शन को देखती थी, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया था, क्योंकि एक नई बॉडी भी यहाँ पर बना दी गई थी, तो इन फंक्शंस को कंबाइन नहीं किया गया था, रादर इनको सेपरेट कर दिया गया था। आंसर हमारा हो जाएगा बी, पहली जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 बात करता है अंडर विच एक्ट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, तो पहली बार ऐसा कब हुआ जब जो कंपनी की टेरिटरीज थी उसको ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया के तौर पे जाना जाने लगा, तो क्या रेगुलेशन एक्ट 1773 के दौरान ऐसा हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान पहली बार ऐसा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853, ऐसा कब देखा गया। चलिए तो पिट्स इंडिया एक्ट ऐसा एक्ट था जिसके दौरान पहली बार जो कंपनी की टेरिटरीज थी उसे ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया। अब आप धीरे धीरे देख रहे हैं जब से रेगुलेटिंग एक्ट आया है तो यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी तक जो ओब्लिवियस थी पूरे तरीके से कि कंपनी कैसे रूल कर रही है इंडिया के अंदर, उसका इंटरफेरेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है कंपनी के अफेयर्स के अंदर, तो यहाँ पे बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 बात करता है कि चार्टर एक्ट 1833 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो एक्ट था इट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उसके अंदर ये एक फाइनल स्टेप के तौर पर देखा जा सकता है। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो जी जी बी को इन्होंने जी जी आई बना दिया। मे बी लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी हो सकता है, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, सारी की सारी सिविल और मिलिट्री पावर इस पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर वेस्ट करी हुई थी, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी गवर्नर ऑफ बंगाल बनेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और नेक्स्ट जो प्रमोशन होगा वो होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो यहाँ पे बात करी जाए तो 1833 जो प्रोसेस 1773 रेगुलेशन एक्ट से स्टार्ट किया गया था, यहाँ पे जाके उसका पूरा सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये फाइनल स्टेप हम देख सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, 1833 तक आते आते जो सेंट्रलाइजेशन ब्रिटिशर्स चाहते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी, वो काफ़ी हद तक अचीव किया जा चुका था, इसी वजह से इसको फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन माना जाता है। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ये जो प्रमोशन वाली जो चीज़ है, ये जो ट्रांजिशन है, ये इसी के अंदर किया गया था, मतलब चार्टर एक्ट 1833 के दौरान किया गया था। और यहाँ पे जो पोजीशन के ऊपर इंडिविजुअल को बिठाया गया था, इट वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाती है। गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे पहले, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे पहले, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे पहले, ये आपको तीनों पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं, जो कि चार्टर एक्ट 1833 को लेकर है। ये जो एक्ट्स हैं हमारे, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, पिट्स इंडिया एक्ट हो, अमेंडिंग एक्ट हो, चार्टर एक्ट 1833 हो, 1853 हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर हम चलेंगे मोले मिंटो, मॉन्टेक चेम्सवर्ड, जो 1909 और 1919 के एक्ट हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस परस्पेक्टिव से, हिस्ट्री के अंदर इन्हें पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, इंडियन पॉलिटी के अंदर भी उस परस्पेक्टिव से इसे पूछा जा सकता है। तो दोनों परस्पेक्टिव से इन एक्ट्स को आपको कवर करना है, क्योंकि ये दोनों जगह पे आपको हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे पूछा गया कि चार्टर एक्ट 1833 को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बंगाल ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स, तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनको उनकी लेजिस्लेटिव पावर से डिप्राइव कर दिया गया था, हो सकता है। इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी, तो एज अ कमर्शियल बॉडी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी एक्टिविटीज़ को खत्म कर दिया गया था। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स के लिए एक ओपन कॉम्पिटिशन का सिस्टम भी जो था वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, उस टाइम पे तीन इंपॉर्टेंट लोकेशन हुआ करती थी, ठीक है। एक हमारी यहाँ पे थी बंगाल, नीचे हमारी थी मद्रास, और यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे थी बॉम्बे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद क्या हुआ, इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने एक बेसिकली इनको सबसर्वियंट कर दिया था बंगाल के साथ। तो यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनकी जो पावर थी वो तो हो गई इंटैक्ट, लेकिन गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास की जो पावर थी इनको कर दिया गया था खत्म, ठीक है। तो इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बंगाल, नहीं, गवर्नर ऑफ बंगाल को डिप्राइव नहीं किया गया था, रादर गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास को डिप्राइव करके दे वर मेड सबसर्वियंट टू गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, इस वजह से ए और सी उसी वक्त ही एलिमिनेट कर दीजिए। इट मींस सेकंड स्टेटमेंट जो है वो तो हमारी ठीक होगी ही होगी, जो कि क्या कहती है कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी की उनकी एक्टिविटीज़ खत्म हो गई थी। तो यस, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि प्योरली कमर्शियल पर्पज़ के लिए इंडिया में एंटर करी थी काफ़ी टाइम पहले, उनकी जो पूरा का पूरा फंक्शनैलिटी थी एज ए कमर्शियल बॉडी वो खत्म कर दी गई थी। तीसरी स्टेटमेंट को जानने की कोशिश करें, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसने क्या ओपन कंपटीशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। देखिए 1833 ऐसा करने के लिए चाहता तो था, इसने एक अटेम्प्ट भी किया था कि एक ओपन कंपटीशन सिस्टम जो है सिविल सर्विसेज के अंदर आ जाए, लेकिन इट फेल्ड। चार्टर एक्ट 1833 जो था वो फेल हो चुका था इस चीज़ के अंदर। और इसके बाद 1853 आएगा, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पर इट ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ फ्री एंड फेयर सिलेक्शन सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज और सिविल सर्वेंट्स, बट इट फेल्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में, 1853 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारा। पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। दिस वॉज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट, तो जो आपकी चार्टर एक्ट की सीरीज थी उसके अंदर ये आखिरी एक्ट था। इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो गवर्नर जनरल काउंसिल के जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे उनको पहली बार सेपरेट किया गया था। एंड इट फेल्ड टू इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम, जस्ट लाइक जो आपका चार्टर एक्ट 1833 था उसकी तरह 1853 भी फेल हो गया था इस पर्टिकुलर ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सोचिए, चलिए, तो यहाँ पे जो ये पूरी सीरीज स्टार्ट हुई थी चार्टर एक्ट की, तो उसमें 1853 का जो एक्ट है ये लास्ट एक्ट है, लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल काउंसिल के जो फंक्शंस थे, जैसे लेजिस्लेटिव फंक्शन की बात करें और एग्जीक्यूटिव फंक्शन की बात करें, इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी पहली बार ऐसा देखने को मिला था, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। लेकिन 1833 का जो एक्ट एक फेयर ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम नहीं प्रोवाइड कर पाया था, 1853 के एक्ट ने वैसा कर दिया था। सो इट डिड नॉट फेल, इट रादर सक्सीडेड इन इंट्रोड्यूसिंग एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स के लिए एक ओपन और फेयर सिलेक्शन सिस्टम जो था वो 1853 के चार्टर एक्ट ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 49 बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वॉज फॉर्मुलेटेड ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज, तो इनमें से कौन सी कमेटी इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए फॉर्मुलेट करी गई थी? क्या वो बेंटिक कमेटी थी, रैमसे कमेटी थी, मेटकाफ या फिर मैकॉले? सोचिए। कमेटीज़ के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं कंजेकेटिवली, इफ़ आई रिमेंबर दो बार दो प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पे आंसर हमारा मैकॉले कमेटी है। और आपने सुना होगा मैकॉले कमेटी को हम इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी टाइम तक यूज़ करते रहे, और फिर 1970s के आसपास शायद इसे हटाया गया था और इसमें काफ़ी ज़्यादा अपडेशन जो थी वो करी गई थी। सो डी हमारा यहाँ पे आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है क्वेश्चन नंबर 50th, चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। पूछा गया चार्टर एक्ट 1853 के बारे में, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है? पहली स्टेटमेंट कहती है, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। इसने क्या किया, कंपनी के रूल को एक्सटेंड कर दिया और इसको कहा कि आप जो पोजेशंस हैं वो आप रिटेन करके रख सकते हैं, लेकिन दैट विल बी ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन। हो सकता है इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो जो आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, तो जीजी काउंसिल जो थी उसके अंदर जो 6 नए मेंबर्स थे उसमें से 4 जो थे वो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा के द्वारा रखे गए थे। सोचिए। चलिए देखिए, पहले के जो चार्टर एक्ट्स थे 1793 1813 देन 1833 1853, यहाँ पे 20-20 साल का जो पीरियड था ना पहले से ही डिफाइन किया जा रहा था, ठीक है, तो 20-20 साल का एक्सटेंशन जो था वो दिया जाता था, लेकिन चार्टर एक्ट 1853 में ऐसा कोई भी एक्सटेंशन 1873 तक के लिए नहीं दिया गया, तभी सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट में लास्ट चार्टर एक्ट ये बन गया, ठीक है, तो ये इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम इसमें कुछ रूलिंग्स पढ़ें, कुछ प्रोविजंस पढ़ें, तो यस, इट एक्सटेंडेड कंपनी का रूल एक्सटेंड किया गया था और वहाँ पर कहा गया कि आप रिटेन कर सकते हैं इंडियन टेरिटरीज़ की पोजेशन जो है, लेकिन दैट शुड बी ऑन बिहाफ ऑफ और ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, उसका रोल काफ़ी कॉन्स्पिकुअस हो गया और वो अब डायरेक्टली यहाँ पे इंडियन अफेयर्स के साथ डील करना चाहते हैं। देन इसके अलावा फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर दी गई थी, ये बात भी ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा की, उनका यहाँ पे उन्होंने अपॉइंट किए थे 4 मेंबर्स अपने, तो सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देन नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पूछा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा यहाँ पे कथन सही है? द एक्ट इज़ नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इस एक्ट को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तौर पर भी जाना जाता है। इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, इसने जो डेजिग्नेशन थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उसको चेंज करके वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कर दिया। इट इनिशिएटेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, तो ड्यूअल गवर्नमेंट जो थी वो भी इसने इंट्रोड्यूस कर दिया। सोचिए। चलिए देखिए, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट तो पहले से ही आ चुकी थी क्योंकि हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कि कमर्शियल एक्टिविटी देखते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे जो कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देखते थे। इस सिस्टम को, ये ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म कर दिया गया रादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के हिसाब से, और इसी को ही गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता था क्योंकि ऐसा माना गया कि 1857 का जो हमारा रिवोल्ट था उसके बाद अंग्रेज़ जो हैं उनको कुछ सबक उन्होंने सीखा है और चाहते हैं कि इस तरीके का रिवोल्ट दोबारा ना हो, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम गुड गवर्नेंस के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वो लेकर आए। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है सही, तीसरी स्टेटमेंट हो जाती है गलत। सेकंड को देख लेते हैं, इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वॉइस रॉय, तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फाइनली वॉइस रॉय। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, ये जो वाइस रॉय हुआ करते थे, ही वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी मीडिएटर नहीं चाहिए, बिकॉज वो पूरी प्लानिंग कर चुके हैं डायरेक्टली इंडिया को रूल करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन 52nd को देखते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट वॉइस रॉय, जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और बेंटिक के बारे में देखा था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट आपको हर किसी का पता होना चाहिए, ऐसे ही फर्स्ट वॉइस रॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53rd को देखते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लेकर है, पूछा गया इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है? पहली स्टेटमेंट कहती है, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसने एक नया ऑफिस बनाया, किसका? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का, हो सकता है। एन एडवाइजरी काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश अंडर दिस एक्ट, तो इस एक्ट के अंदर एक एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई गई। एक्ट ऑफ 1858 वॉज लार्जली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की इंप्रूवमेंट के लिए इस एक्ट को लेके आया गया था। सोचिए।
चलिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तीसरी स्टेटमेंट तो वैसे ही ठीक कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में इंप्रूवमेंट या फिर गुड गवर्नेंस लाने के लिए इस एक्ट को लेकर आया गया था। इसके अंदर बेसिकली एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो भी न्यू ऑफिस बनाया गया था, एक 15 मेंबर का काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनाया गया था, ताकि ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट कर सके फॉर इंडिया। ठीक है, काउंसिल जो थी ये एक एडवाइजरी बॉडी थी और इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि इसको असिस्ट करती थी, और इसके अलावा जो कंप्लीट अथॉरिटी जो दी गई थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को दी गई थी, ध्यान रखिएगा। तो यस, पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, एडवाइजरी काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड ये भी बनाया गया था, जिसे काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को लेकर है। पूछा गया इस एक्ट को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इंडियंस वर गिवन रिप्रेजेंटेशन बाय इन्वॉल्विंग देम इन न्यू लॉ मेकिंग प्रोसेस। इंडियंस जो थे इसमें रिप्रेजेंटेशन उनको दी गई, उनको एक लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर हिस्सा देकर, हो सकता है। देन इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो था वो 1861 के एक्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल। बंगाल के लिए एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाने के लिए इसमें कहा गया था। चलिए, तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था मैंने बताया, उसके बाद अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि किसी ना किसी तरीके से जो कॉपरेशन है वो आपको इंडियन से लेना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से टाइम टू टाइम उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद काउंसिल एक्ट 1861 वो लेके आए, फिर 1892 लेके आए, और फिर 1909 भी लेके आए। इंडियंस वर गिवन नॉन ऑफिशियल पोजिशन, तो यहाँ पर जो नॉन ऑफिशियल पोजिशन जो थी वो इंडियंस को दी गई थी, और इसके अलावा वॉइस रॉय को कहा गया था कि आप कुछ इंडियंस को यहाँ पे नॉमिनेट करेंगे एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ताकि अपनी काउंसिल को एक्सपेंड कर पाएं। तो इंडियंस वर गिवन रिप्रेजेंटेशन, नॉन ऑफिशियल पोजीशन के अंदर रिप्रेजेंटेशन तो दी गई थी, तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। इसमें यहाँ पे न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल को भी बनाने की बात करी गई थी, ये बात भी ठीक है। इसके साथ साथ बंगाल के साथ साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब, ठीक है, इनको भी यहाँ पे एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर भी बनाने की बात करी गई थी, तो तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 1833 तक कंप्लीट हो चुका था, और यहाँ से इसकी वजह से सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस की वजह से ब्रिटिशर्स को काफ़ी नुकसान हुआ था, और यहाँ पे कॉपरेशन जो थी वो इंडियन से उनको नहीं मिल रही थी, इस वजह से डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो 1861 में स्टार्ट किया गया था। तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following was were selected as non-official members in 1862 by Lord Canning? Lord Canning के द्वारा जो अभी पिछले क्वेश्चंस में मैंने देखा, मेंबर्स जो थे नॉन ऑफिशियल पोजीशन पे अलाउ कर दिए गए थे, और पूछा गया था कि जो वॉइस रॉय होंगे वो नॉन ऑफिशियल पोजीशन पे मेंबर्स को रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया जो पहले वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने कौन कौन से मेंबर्स को यहाँ पे रखा, राजा ऑफ बनारस को, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि जो वॉइस रॉय थे उनको पावर दे दी गई थी, और इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देने की बात करी गई थी नॉन ऑफिशियल पोजीशन के ऊपर, और वॉइस रॉय को कहा था कि आप नॉन ऑफिशियल पोजीशन के लिए मेंबर्स को चुन सकते हैं, और यहाँ पे चुना गया राजा ऑफ बनारस को, महाराजा ऑफ पटियाला को, और सर दिनकर राव को। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं, जो कि पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तीन स्टेटमेंट्स आपको दी हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है इंडिया अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल मिल्क प्रोडक्शन। तो यहाँ पे वर्ल्ड की जितनी भी मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया उसका 20% जो है उसको अकाउंट फॉर करता है, तो 20% इंडिया के पास है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन एम्स एट कनेक्टिंग ब्रीडर्स एंड फार्मर्स रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ बोवाइन जर्मप्लाज्म। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रीडर्स और फार्मर्स को यहाँ पे कनेक्ट करना, किस चीज़ को लेकर, बोवाइन जर्मप्लाज्म की क्वालिटी को लेकर। थर्ड, ई पशुधन हार्ट पोर्टल एम्स एट इम्प्रूविंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडिजिनस ब्रीड। तो ई पशुधन हार्ट पोर्टल जो बनाया गया है उससे जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उनके जेनेटिक मेकअप को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। अगर हम इंडिया के रैंक की बात करें तो इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन, हमारा जो रैंक है वो फर्स्ट है। 20% ऑफ वर्ल्ड का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही होता है। मिल्क प्रोडक्शन के अंदर इंडिया जो है वो स्टेडली इंक्रीज भी कर रहा है। अगर हम बात करें 55 मिलियन टन के आसपास 1991 के आसपास यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता था, और अब ये तीन गुना बढ़ चुका है, 176 के आसपास पहुँच चुका है, और यहाँ पे स्टेडली एनुअल ग्रोथ जो है वो 4% की देखी जा सकती है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी हो जाती है ठीक। सेकेंड हम देखते हैं, ऐसा इनिशिएटिव जो कि लाइफ स्टॉक और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो स्टार्ट किया गया था, इसमें क्या किया गया है, ये पर्टिकुलर जो मिशन स्टार्ट किया गया है इससे कि ब्रीड इंप्रूवमेंट जो होती है वो किया जाएगा। तो हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड है
उसका जो जेनेटिक मेकअप है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है वो हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर देखेंगे। इसमें होगा क्या, बेसिकली जो क्वालिटी ऑफ ब्रीड है, जैसे कि ऐसी ब्रीड हो जो कि काफ़ी ज़्यादा हीट, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो उसको भी टॉलरेट कर ले, काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी एक्सट्रीम हो जाती है, इस तरीके की हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं जो इन सब मौसम की जो मार होती है उसको भी सहन कर पाए, ऐसा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर शुरू किया गया है। ये स्वॉप करके स्टेटमेंट दे रखी थी। और ई पशुधन हार्ट जो है ये क्या करेगा, ये फार्मर्स और ब्रीडर्स को कनेक्ट करेगा, जहाँ पर एक पोर्टल के ऊपर जो फार्मर्स होंगे और ब्रीडर्स होंगे वो अपने जो फार्म लाइफ स्टॉक होते हैं उसको सेल परचेज कर पाएंगे, एम्ब्रियोज और सीमेंस को सेल परचेज कर पाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सेकंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि फिशरी सेक्टर के बारे में है। पूछा गया फिशरी सेक्टर को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। तो यहां पर दो स्टेटमेंट आपको दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है इनलैंड फिशरीज अकाउंट फॉर नियरली 85% ऑफ टोटल फिश प्रोडक्शन इन इंडिया। तो जो इनलैंड फिशरी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कंपोनेंट कितना है, 85% है टोटल फिश प्रोडक्शन की बात करें। मैं आपको ये हिंट दे देता हूँ कि फिश प्रोडक्शन के मामले में इंडिया का रैंक सेकंड है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आंध्र प्रदेश लीड्स इन टर्म्स ऑफ फिशरी प्रोडक्शन यूजिंग एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर माध्यम से जो प्रोडक्शन करी जाती है फिशरी की, तो वो आंध्र प्रदेश उसमें टॉप पर है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो फिशरी सेक्टर जो है एक फास्ट ग्रोइंग सेक्टर माना जाता है इंडिया के अंदर, न्यूट्रिशियस फूड एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लार्ज पॉपुलेशन जो है कंट्री की, उनको जो उनकी जीविका जो होती है, जो लाइवलीहुड होती है, वो इसी सेक्टर से उनको मिलता है। और यहाँ पे हमारा रैंक जो है वो सेकंड है, वो मैंने आपको बताई दी। और इनलैंड सेक्टर से अगर बात करें, इनलैंड फिशरी जो है उसका कंपोनेंट जो है वो 65% है, 85% नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ इनलैंड फिश प्रोडक्शन जो है हमारी वो कल्चर फिशरी से आती है, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स 6.5% ऑफ ग्लोबल फिश प्रोडक्शन। तो अगर कल्चर फिशरीज की बात करें, हमारी इनलैंड का 50% है और पूरे वर्ल्ड का 6.5%। दिस सेक्टर जो है ये बेसिकली जो ग्रोथ है, एक स्टेडी ग्रोथ जो है धीरे धीरे दिखा रहा है और GDP के अंदर भी अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। हमारा जो एक्सपोर्ट है फिशरी के मामले में वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर हम एक्वाकल्चर की बात करें, तो एक्वाकल्चर को एक्वा फार्मिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, फ़िश की फार्मिंग करी जाती है, वेरियस टाइप्स के फ़िश इसमें होती है, एल्गे ऑर्गेनिज्म ये सब चीज़ें इसमें आप रखते हैं। एक्वाकल्चर जो है रैपिडली इंडिया के अंदर ग्रो कर रहा है, इसकी भी जो ग्रोथ रेट है अराउंड 7% के आसपास है। इंपॉर्टेंट सेक्टर है काफ़ी, एलाइड एक्टिविटी में इसको काउंट किया जा सकता है। और आंध्रा की बात करें तो 25% एक्वाकल्चर जो है वो सिर्फ आंध्र प्रदेश के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे मेजर चंक जो है वो इसके पास है। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है CACP के बारे में। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज और आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग द MSP बाय CACP। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो MSP डिसाइड कौन करता है, CACP डिसाइड करता है, और कौन कौन से फैक्टर्स इसमें कंसिडर करे जाते हैं। क्या कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन पर हेक्टेयर कंसिडर करी जाती है, प्राइजेज इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, क्या इसको कंसिडर किया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग है उसको इसमें कंसिडर किया जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने MSP 22 जो मैंडेटेड क्रॉप्स है, जिसमें कह रहा गया कि मैंडेटरी इसके अंदर आपको MSP देना पड़ेगा, वो यहाँ पे अनाउंस किया। और साथ में फेयर एंड रेमोनरेटिव प्राइस जो है वो शुगर केन के लिए दिया जाता है, उसको भी अनाउंस किया गया। ठीक है, तो CACP जो है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज, MSP जो है इसको डिसाइड करती है। और इसके अंदर जो फैक्टर्स कंसीडर करे जाते हैं उसमें से जो हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन की कॉस्ट कितनी रहने वाली है इसको लिया जाता है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस क्या है इसको भी कंसीडर किया जाता है, और साथ में जो कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग है इन प्रोडक्ट्स की उसको भी कंसीडर किया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों ही प्रोडक्ट्स को, तीनों ही एलिमेंट्स को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, अकाउंट फॉर किया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और MSP दिया क्यों जाता है, बेसिकली इट्स एन एश्योरेंस टू द फार्मर्स कि आपको जितनी आपकी कॉस्ट लगी है प्लस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ताकि जो एक मोटिवेशन जो होता है फार्मर्स के लिए बना रहे और वो एग्रीकल्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, अदरवाइज कंट्री की जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है ई नाम के बारे में। पूछा कि ई नाम को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली कहती है इट इज़ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच नेटवर्क्स द एग्जिस्टिंग APMC मंडीज। तो ये एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसमें एग्जिस्टिंग APMCs को कनेक्ट किया जाता है। SFAC दैट इज स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम
इज़ द लीडिंग एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट। तो यहाँ पे लीडिंग एजेंसी कौन सी है? SFAC है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ईनाम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है काफ़ी न्यूज़ में है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। और अभी जो फार्मर्स बिल पास करेंगे उसमें तो ये काफ़ी न्यूज़ में था उसको लेकर। तो यहाँ पे होगा क्या, नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग APMC दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज, जो मंडीज हैं उनको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाएगा इसके द्वारा। बेसिकली जो फार्मर्स हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, जो सेलर और बायर हैं, यहाँ पे उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक बेटर प्राइस जो है वो मिलने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, साथ में वैरायटी जो है वो भी उनको यहाँ पर मिलने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हमारा पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट है कि इसमें मंडीज को कनेक्ट किया जाएगा, तो यस, पहली स्टेप बिल्कुल करेक्ट है। और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम को बनाया गया है। इट इज़ अ लीडिंग एजेंसी जो कि ईनाम को इंप्लीमेंट करेगी, बट अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर रह के काम करेगी और इस पूरे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगी। विजन क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट का, कि यूनिफॉर्मिटी लानी है, यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करना है एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर। जैसे अभी आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से चीज़ों को परचेस करते हैं, उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे सेलर्स होते हैं जो अपने आप को रजिस्टर करते हैं, देन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू देयर शॉप, जो हो सकता है आपकी सिटी में ना हो, किसी दूसरी सिटी में हो, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप उससे परचेस करते हैं। और ये जो अमेजोन है और फ्लिपकार्ट है, दे प्ले द रोल ऑफ अ मीडिएटर, ठीक है। उस तरीके से एक पोर्टल जो है फार्मर्स के लिए भी बनाया गया है, ताकि यूनिफॉर्मिटी को एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर वो प्रमोट किया जाए और स्ट्रीमलाइनिंग लाई जा सके, क्योंकि अभी तक प्रोसीजर्स उतने स्ट्रीमलाइन नहीं थे। साथ में इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति कोई भी प्राइस चार्ज कर रहा है और कई बार फार्मर्स को बहुत कम दामों में भी बेचना पड़ता है प्रेशर की वजह से, तो ये सब चीज़ें जो होंगी वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएंगी और एक रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी जो है उसको अचीव किया जा सकेगा, बेटर प्राइसेज जो हैं वो फार्मर्स को मिल सकेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 60th क्वेश्चन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर है, IIP को लेकर पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है, ठीक है। तो राउंड कर लीजिएगा जो क्वेश्चन का टॉपिक है और जो पूछा गया, जो डिमांड है। IIP इज पब्लिश्ड ऑन मंथली बेसिस बाय द NSO, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा इसे मंथली बेसिस पे पब्लिश किया जाता है। सेकंड, सो दिस इज ऑफिस, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। Second, the three sectors included in IIP are mining sector, manufacturing sector and electricity sector. तो जो major यहाँ पे तीन important sectors हैं उनके नाम दिए गए हैं, हो सकता है सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, IIP जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, याद रखने का तरीका IIP, ये II कैसा लग रहा है, ये 11 जैसा लग रहा है, इसका मतलब इसका बेस ईयर क्या है, 2011-12, याद रखने का तरीका है। एग्जाम में बेस ईयर भी पूछा जा सकता है और वहाँ पे फिर कन्फ्यूजन होगी कि क्या 2010-11 था या 11-12 था, तो सीधा ही 11 देख के उसे 11-12 आपको याद रखने में आसानी रहेगी। तो IIP के II क्या है, इट लुक्स लाइक 11 और इसका जो ईयर है बेस ईयर वो भी 2011-12 है। IIP जो है बेसिकली इट्स अ मेजर ऑफ इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस विच शेड सम लाइट ऑन वेयर वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मीन्स ये एक तरीके की रोशनी डालता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे जो सेक्टर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है और देखा जाता है कि उन सेक्टर्स के अंदर हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। 8 कोर सेक्टर्स जो होते हैं उनको इसके अंदर कवर किया गया है, जिसमें माइनिंग सेक्टर भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर भी है। तो ये स्टेटमेंट तो हो जाती है ठीक। क्या इसे मंथली बेसिस पर निकाला जाता है NSA के द्वारा, तो यस, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, मंथली बेसिस पर NSO के द्वारा इसे निकाला जाता है। द थ्री सेक्टर्स IIP के अंदर माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल करेक्ट दिए गए। इसके अलावा और कौन कौन से सेक्टर्स है, मैं आपको काफी बार ये जो हमारे डेली MCQs होते हैं करंट अफेयर्स के उसमें बता चुका हूं, तो अगर आपको याद है वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, वो सेक्टर्स आ ही गए, तो यहां पे पूछा गया 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है हमारे यहां पे, उनको आपको बताना है कि इन तीनों में से वो 8 कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट हैं कि नहीं है। क्या 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है उसमें कोल सेक्टर आता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर आता है या फिर क्रूड ऑयल आता है, सोचिए। चलिए, तो 8 कोर सेक्टर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि 40.27% मोर स्पेसिफिकली और शॉर्ट में आप कह सकते हैं 40% जो है जो भी हमारे वेट्स होते हैं वो इन सेक्टर्स को दिए जाते हैं। तो अगर हमें जो भी इंडेक्स है उसको कैलकुलेट करना है, दैट इज़ IIP को कैलकुलेट करना है, उसमें 40% रोल तो इन्हीं सेक्टर्स का रहता है। तो IIP ऊपर जाएगा नीचे जाएगा और परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उन उसके ऊपर नीचे जाने में इन 8 सेक्टर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ पर बात करें क्या कोल इसके अंदर है, तो यस, कोल इसके अंदर है, क्रूड ऑयल भी इसके अंदर है, तो पहला और तीसरा आपका करेक्ट हो जाता है। क्या कंस्ट्रक्शन इसके अंदर है, देखिए कंस्ट्रक्शन अलग से इसके अंदर नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको सीमेंट मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, फर्टिलाइजर मिल जाएगा, नेचुरल गैस मिल जाएंगे, बट कंस्ट्रक्शन डायरेक्टली नहीं दिया गया, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ओवरऑल इंडेक्स ये दे रखा है। सबसे ज़्यादा वेट किसका है,
कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट स्टिल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, उसमें से करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है अ गोल्डन शेयर इज अ टाइप ऑफ शेयर दैट गिव्स इट्स शेयर होल्डर वीटो पावर ओवर चेंजेस टू द कंपनीज चार्टर। तो कंपनी का जो चार्टर है उसमें अगर चेंजेस करने या नहीं करने इसके कंसर्निंग वीटो पावर मिल जाती है उस व्यक्ति को जिसके पास गोल्डन शेयर होता है। मे बी स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफरिंग द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटिटी टू सम अदर एंटिटी। स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट एक ऐसी डिस इन्वेस्टमेंट होती है, बेसिकली इसमें क्या होता है, जो ओनरशिप होती है कंपनी की और कंट्रोल जो होता है किसी पब्लिक सेक्टर एंटिटी का, वो दूसरी एंटिटी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो जो आपके पास वीटो पावर होती है, बेसिकली इट्स अ स्पेशल वोटिंग राइट्स जो कि एक स्पेसिफिक होल्डर को दिया जाता है ताकि वो किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसीजन को चाहे तो ब्लॉक कर दे। और यहाँ पे कंपनी के चार्टर को चेंज करना है तो यस, इसमें वीटो पावर जो होती है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है, इसलिए काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मुझे कंपनी में पोजीशन चाहिए और इसके साथ एक अलग से वीटो पावर भी चाहिए ताकि फ्यूचर के अंदर अगर कुछ ऐसे डिसीजन है जिसको लेकर वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल खुश नहीं है तो अपनी वीटो को यूज़ कर ले। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर भी उनके पास वीटो पावर है। इस वजह से चाइना जो है उसको काफ़ी वो हमेशा एडवांटेजेस पोजीशन में रहता है और हम लोग यूएनएससी के अंदर विद वीटो पावर सीट की मांग करते हैं, क्योंकि यूएनएससी के अंदर सीट तो हमें देने की बात करी जा रही है लेकिन वीटो पावर देने के लिए नोबडी इज श्योर। बट हम कह रहे हैं कि हमें सीट तो, परमानेंट सीट तो चाहिए लेकिन साथ में वीटो पावर भी चाहिए, क्योंकि वीटो पावर नहीं होगी तो सीट का हम क्या करेंगे, दैट विल बी जस्ट अ पेपर टाइगर। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट, नाम में ही स्ट्रेटेजिक है तो इसमें यही होता है, जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर करी जाती है दूसरी एंटिटी को, बिल्कुल ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। तो स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफरिंग द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ वन पब्लिक सेक्टर एंटिटी टू सम अदर एंटिटी जो कि यूजली प्राइवेट सेक्टर एंटिटी होती है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल हैम के बारे में बात कर रहा है। पूछा गया हैम को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। हैम इज़ अ मिक्स बिटवीन द बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT एन्यूटी एंड द इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन EPC मॉडल। तो BOT एन्यूटी और EPC मॉडल का ये एक मिक्सचर है, हो सकता है। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स फॉर एलोकेशन ऑफ रिस्क बिटवीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मेंबर्स PPP मेंबर्स। तो पब्लिक प्राइवेट मेंबरशिप जो है इसमें रिस्क को डिवाइड करने के लिए ये बनाया गया है। अंडर इट द डेवलपर इंजॉयज एब्सोल्यूट राइट ओवर इट्स टोल कलेक्शन। इसके ऊपर क्या होता है, डेवलपर के पास एक एक्सक्लूसिव राइट रहता है ताकि वो टोल को कलेक्ट कर सके। सोचिए। चलिए, इंडिया के अंदर एक न्यू हैम मॉडल है, न्यू हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल है जो कि एक मिक्स है किस किस का। इसमें बॉट के कुछ BOT बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर के भी कुछ फीचर्स हैं, साथ में इसमें EPC दैट इज इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन के भी कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, तो यस इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, इट प्रोवाइड्स फॉर एलोकेशन ऑफ रिस्क। क्या इसमें रिस्क जो होता है वो PPP मॉडल के बेसिस पे एलोकेट किया जाता है। देखिए, इसमें होता क्या है, 40% जो शेयर होता है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को इनिशियली दे दिया जाता है। तो एज पर द रूल गवर्नमेंट पेज ओनली 40% ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन स्टेज। कंस्ट्रक्शन स्टेज पे 40% आपने पे कर दिया डेवलपर को, रिमेनिंग मनी जो 60% है कंप्लीट करने के लिए उस प्रोजेक्ट को वो डेवलपर के द्वारा खुद ही अरेंज करी जाती है, क्योंकि रिमेनिंग 60% जो है वो वेरिएबल एन्यूटी में पे किया जाता है और वो डिपेंड करता है परफॉर्मेंस कैसी रही है डेवलपर की, और वो जो प्रोजेक्ट है आपका उसके कंप्लीट होने के बाद पे करा जाता है। तो हुआ क्या, 40% स्टार्टिंग में पे कर दिया, 60% कंप्लीशन के बाद पे किया। ठीक है, तो यहाँ पे PPP के अंदर जो रिस्क है वो आपका एलोकेट हो जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। यहाँ पे बात करी जाए, इस मॉडल के अंदर देर इज़ नो टोल राइट फॉर द डेवलपर। डेवलपर को कोई भी एब्सोल्यूट क्या किसी भी तरीके के टोल राइट यहाँ पे नहीं दिए जाते हैं मॉडल के अंदर। रेवेन्यू कलेक्शन जो होता है पूरी की पूरी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि पूछ रहा है दो स्टेटमेंट्स को लेकर कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन हमारा चल रहा है। पहली स्टेटमेंट कहती है एन एंटिटी शैल बी कंसीडर्ड अ स्टार्टअप अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम इट्स डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर 10 साल तक उसे स्टार्टअप माना जाता है। एन एंटिटी शैल बी कंसीडर्ड अ स्टार्टअप इफ इट्स टर्नओवर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हैज़ नॉट एक्सीडेड ₹200 करोड़। तो यहाँ पे अगर उसकी जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर है वो 200 करोड़ से एक्सीड नहीं करती तो उसे स्टार्टअप माना जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए,
तो यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो डेफिनेशन है स्टार्टअप की उसे चेंज किया था, और बेसिकली टैक्स वूज जो टैक्स प्रॉब्लम्स हो रही थी स्टार्टअप्स को, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिली थी इस डेफिनेशन को चेंज होने से। ठीक है, तो यहाँ पे टर्नओवर क्राइटेरिया जो था इसको इंक्रीज़ किया गया था, और यहाँ पे जो एंटिटी है उसका जो टाइम पीरियड है उसको भी चेंज किया गया था। तो एन एंटिटी शैल बी कंसिडर्ड अ स्टार्टअप अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। पहले ये जो डेट थी, पहले जो टाइम पीरियड था वो 7 साल हुआ करता था, लेकिन इसे बढ़ा के 10 साल कर दिया गया। एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट इज ऑल्सो एक्सपेंडेड द टर्नओवर क्राइटेरिया, जो कि पहले कम हुआ करता था, पहले 25 करोड़ हुआ करता था। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 25 करोड़ का आप बिजनेस कर रहे हैं तो ही आप स्टार्टअप कहलाएंगे, लेकिन जैसे ही 26 करोड़ हुए आप स्टार्टअप नहीं कहलाएंगे, और आपके ऊपर अलग से रूल्स, जो अभी तक अच्छे रूल्स, फेवरेबल रूल्स आपके ऊपर लागू हो रहे थे, वो नहीं होंगे। यहाँ पे अब इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया है, अभी कर दिया 100 करोड़, अप टू 100 करोड़ अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर है, देन यू आर सेफ, जो भी स्टार्टअप के बेनिफिट्स हैं वो आप रीप कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट 200 करोड़, आपको पता होना चाहिए अगर आप भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 10 साल का टाइम पीरियड दिया गया है और 100 करोड़ का यहाँ पे मार्क दिया गया है। मान लीजिए कि आप 25 करोड़ कमा रहे हैं और आपको 11 साल हो गए, तो क्या आप स्टार्टअप कहलाएंगे? नहीं, क्योंकि वहां पर आपको ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है 10 साल वाली, वो आपकी खत्म हो गई है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 बात करता है ISEC के बारे में, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया है। इसको लेकर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दो स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं। पहली कहती है ISEC स्कीम इज अ मैकेनिज्म ऑफ फंडिंग खादी प्रोग्राम अंडरटेकन बाय खादी इंस्टीट्यूशन। तो खादी इंस्टीट्यूशन के द्वारा चलाए गए खादी प्रोग्राम की फंडिंग के लिए ISEC स्कीम को लाया गया है। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू मोबिलाइज फंड्स फ्रॉम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन फॉर फिलिंग द गैप बिटवीन द एक्चुअल फंड रिक्वायरमेंट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फ्रॉम द बजट रिसोर्सेज। तो ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि फंड्स को मोबिलाइज किया जा सके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, ताकि जो एक गैप है उसको फिल किया जा सके, किस किस के बीच में, एक्चुअल फंड रिक्वायरमेंट के बीच में और जितने फंड अवेलेबल हैं उसके बीच में बजटरी सोर्सेज से। सो इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में देखते हैं। तो जो स्कीम है पूरी बेसिकली फंडिंग करने के लिए खादी प्रोग्राम को, जो कि खादी इंस्टीट्यूशन चलाता है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट स्कीम इज़ एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ताकि खादी प्रोग्राम को फंड किया जा सके, जो कि खादी इंस्टीट्यूशन द्वारा अंडरटेक किया जाता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू मोबिलाइज फंड्स फ्रॉम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से फंड्स को मोबिलाइज करने के लिए इसे चलाया गया था, ताकि जो गैप है एक्चुअल फंड रिक्वायरमेंट का और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स का फ्रॉम द बजटरी सोर्सेज, उस गैप को फिल किया जा सके। ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो असिस्टेंस का नेचर रहता है इसमें ISEC स्कीम के अंदर, क्रेडिट जो होता है कंसेशनल रेट पे दिया जाता है एट अ इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम फॉर वर्किंग कैपिटल। तो काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये जो पैसा है असिस्टेंस जो है वो दी जाती है, ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 66 बात करता है, वेरियस पेयर्स दिए गए हैं और उनके सामने आपको मैच करना है। यहाँ पे पहले दिया गया प्रेडेशन, प्रेडेशन के सामने दिया है ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट एंड इंटरेक्शन इज डेट्रीमेंटल टू अदर स्पीसीज। फिर कमेंसलिज्म दिया है, सिम्बायसिस दिया है, एमेंसलिज्म दिया है। आप चारों ये पढ़िए, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़िए और फिर सोचिए कि कौन सा ठीक होगा और कौन सा गलत। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करी जाए प्रेडेशन की, इसमें क्या एक स्पीसीज़ को बेनिफिट होता है इंटरेक्शन से और दूसरा जो स्पीसीज़ होता है उसके लिए डेट्रीमेंटल होता है। प्रेडेशन हम कहते हैं ना प्रीडेटरी एनिमल, जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल का शिकार करता है, तो ऑफकोर्स एक को तो फ़ायदा होता है, दूसरे को तो कोई फ़ायदा नहीं, उसको बेचारे का तो शिकार हो गया, वो तो मर गया वहाँ पर। तो ये जो पहला यहाँ पे मैच है वो करेक्ट है। सिम्बायसिस की बात करें, सिम्बायसिस में बात ये हो रही है, इसमें बाय आ रहा है, बाय मतलब होता है टू। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही जो स्पीसीज होते हैं वो बेनिफिटेड होते हैं, ध्यान रखिएगा ये। दैट्स वाई यहाँ पे बाय से आप ध्यान रखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करेक्ट है। देन अमेंसलिज्म और कमेंसलिज्म बचा। देखिए, अगर हम म्यूचुअलिज्म की बात करें, इसके अंदर दोनों स्पीसीज का बेनिफिट होता है, जैसे कि सिम्बायसिस के अंदर होता है, नाम से पता चल रहा है म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है दोनों का। ठीक है, लेकिन एक ऐसा सिनेरियो जिसमें एक को तो बेनिफिट हो रहा है, अदर इज नीदर बेनिफिटेड नो हार्म्ड, तो उसको बेनिफिट भी नहीं हो रहा दूसरे को और उसको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, मतलब वो न्यूट्रल है, उस सिचुएशन को कहते हैं कमेंसलिज्म। ठीक है, तो क्या कमेंसलिज्म में ये दिया गया है वन स्पीसीज इज हार्म्ड? नहीं, देखिए इसमें क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि एक स्पीसीज का तो बेनिफिट होता है और दूसरा न्यूट्रल रहता है, उसे कहते हैं कमेंसलिज्म, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। अमेंसलिज्म इसका बिल्कुल उल्टा होता है कि एक को तो हार्म हो रहा है और दूसरा उससे न्यूट्रल रहता है, तो अमेंसलिज्म भी इनकरेक्ट होगा। बेसिकली यहाँ पे ये दोनों स्वॉप करके दे रखे हैं, इंटरचेंज करके दिए हुए हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 3, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा ये प्रेडेशन क्या होता है, सिम्बायसिस, अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द फूड चेन्स इन इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज डेट्रीवोर ऑर्गेनिज्म। तो डेट्रीवोर ऑर्गेनिजम्स किन को माना जाता है इन तीनों में से, वुड बीटल्स, अर्थवर्म्स, कॉकरोचेस। सोचिए, चलिए, डेट्रीवोर ईट्स डेट्रिटस, मतलब यहाँ पे ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बात हो रही है जो कि लिटर को, ऑर्गेनिक लिटर को कंसिस्ट करते हैं, उन्हीं को ही ईट करते हैं, जो डेब्रीज होती है उनको ईट करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, फ्लाइज हो गए जो मक्खियाँ होती हैं, कॉकरोचेज हो गए, क्रैप्स केकड़े हो गए, अर्थवर्म्स हो गए, वुड बीटल्स हो गए, कारपेंटर एंट्स हो गई, तो जो लकड़ी के अंदर जो चींटियाँ होती है वो हो गई इसके अंदर, ये सब जो चीज़ें होती है डेट्रीवर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये जो डेब्रीज होती है उसके उसको खा कर ही जिंदा रहती है। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमारे करेक्ट होते हैं, आंसर हो जाएगा डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन नेचर। तो आपको बताना है कि पहले ऑर्गेनिज्म आता है, फिर स्पीसीज आता है, या फिर पहले पॉपुलेशन आता है, फिर इकोसिस्टम आता है, तो आपको कैसे चलना है यहाँ पे, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में चलना है, मतलब छोटे लेवल से चलते चलते आपको बड़े लेवल तक जाना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो बताना है कि सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चारों में भी दिया है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉपुलेशन भी हो सकता है, स्पीसीज भी हो सकता है, तो यहाँ पे 5 सेकंड लीजिए और सोचिए क्या आंसर होगा इसका, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक लिविंग बीइंग जो होता है वो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन तो आपको पता भी चल गई, और चारों में भी ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है। स्पीसीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को आप स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट लेवल बड़ा कौन सा हो गया, स्पीसीज का। फिर पॉपुलेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज जो कि एक गिवन एरिया में रह रहे होते हैं, उसको आप कहते हैं पॉपुलेशन। तो सेम स्पीसीज की बेसिकली जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं, उनकी जो सेम स्पीसीज होते हैं, उनकी जो पूरी की पूरी संख्या एक जगह पर रह रही होती है, उसे पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन से बनती है कम्युनिटी, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अभी तक हम सिर्फ एक स्पीसीज की बात कर रहे थे, लेकिन अगर डिफरेंट स्पीसीज की जो पॉपुलेशन उसको कंबाइन कर देते हैं तो वो बन जाती है कम्युनिटी। ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी के बाद आता है वन और मोर कम्युनिटीज, मतलब मल्टीपल कम्युनिटीज जब इंटरैक्ट करती हैं दूसरे के साथ वो बनाती है इकोसिस्टम, और इस तरीके से रीजनल इकोसिस्टम जिसका एक डिस्टिंक्ट क्लाइमेट होता है, डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स जिसमें मिक्स होते हैं, वो बनाते हैं बायोम। ठीक है, तो ये ए इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि आप तीन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करिए और बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है बायोम इज अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विद अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट। बायोम जो होता है एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, उसका एक डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट होता है, डिस्टिंक्ट टाइप का क्लाइमेट होता है। इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। इसकी एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है जिसमें प्लांट्स एनिमल्स अदर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। बायोम इज मार्क्ड बाय प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, एक पर्टिकुलर प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन से मार्क किया जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, बायोम जो होता है बेसिकली इट इज डिफाइंड एज ए टेरेस्ट्रियल एंड अ रीजनल इकोसिस्टम जिसका एक अलग तरीके का डिस्टिंक्ट टाइप का क्लाइमेट सिस्टम होता है। डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स इसके अंदर होते हैं, डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एनिमल्स इसके अंदर होते हैं, और ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म इन ए बायोम अडैप्ट टू द कंडीशन ऑफ द रीजन। तो जो ऑर्गेनिज्म किसी बायोम में रहने वाला होता है वो उस सिचुएशन से, उस कंडीशन से अडैप्ट करता है और उसी वजह से उसमें सर्वाइव कर पाता है। बायोम इज मार्क्ड बाय प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ, एक पर्टिकुलर टाइप की वेजिटेशन से ये एक तरीके की वो प्रीडोमिनेंट करती है इसके अंदर। इवन दो मल्टीपल टाइप्स के आपको यहाँ पे वेजिटेशन, जो ऑर्गेनिज्म है, जो डिस्टिंक्ट इसका कम्युनिटीज हैं वो मिल जाएंगी, लेकिन एक प्रीडोमिनेंट इसके अंदर रहता ही है। तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टंड्रा, आर्कटिक टंड्रा के बारे में बात कर रहा है, पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए आप आर्कटिक टंड्रा की। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहली कहती है देयर इज अ लेयर ऑफ परमाफ्रॉस्ट विद वेरिंग थिकनेस, इसके अंदर परमाफ्रॉस्ट की एक लेयर होती है, उसकी थिकनेस वेरी कर सकती है। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटीज ऑफ एपिफाइटिस, काफ़ी सारी वेराइटीज़ के जो एपिफाइटिस होते हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। इट हैज़ शॉर्ट समर विद वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, छोटी सी समर होती है और प्रेसिपिटेशन काफ़ी कम होती है आर्कटिक टंड्रा के अंदर। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसको डिफाइन करती हैं, सोचिए। चलिए, अगर आर्कटिक टंड्रा की बात करी जाए तो ये बेसिकली नॉर्दर्न एल्टीट्यूड्स के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, देर इज़ नो सिमिलर बायोम इन द एंटार्क्टिका रीजन, क्योंकि ये आर्कटिक में तो पाया जाता है लेकिन एंटार्क्टिक में इससे सिमिलर कुछ भी नहीं है, बिकॉज देर इज़ नो लैंड इन द कॉरेस्पॉन्डिंग लैटिट्यूड। तो जो लैंड आपको यहाँ पे आर्कटिक में मिल जाएगी तभी आर्कटिक टंड्रा होता है, अंटार्कटिक में नहीं मिलेगी क्योंकि सिमिलर टाइप की जो देर इज़ नो लैंड
कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैटिट्यूड्स, इस वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स अंटार्कटिक के अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आर्कटिक टंड्रा की, देखिए क्लाइमेट जो होता है इसका, समर काफ़ी छोटी होती है और विंटर काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी कोल्ड होती है। जो प्रेसिपिटेशन है, जो बारिश है, वो 10 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। सॉइल जो होती है इसकी न्यूट्रिएंट रिच होती है, इसके अंदर काफ़ी कम ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब इसकी जो लेयर होती है वो परमाफ्रॉस्ट होती है वेरिंग थिकनेस के हिसाब से, और यही लेयर होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसकी वजह से रूट्स जो होती हैं वो पेनेट्रेट नीचे तक नहीं कर सकती और ट्रीज जो होते हैं वो यहाँ पे नहीं पाए जाते। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो एपिफाइटस जो है क्या यहाँ पे मिलता है, एंड एपिफाइट जो होता है इज़ ए प्लांट जो कि डिराइव करता है अपना मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स एयर से, ठीक है, रेन से, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके फीचर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के टाइप के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे प्रेजेंस जो होती है न्यूमरस एपिफाइटस की, वैरायटीज की, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं मिलती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। शॉर्ट समर, वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, ये मैंने आपको बता ही दिया, आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए 71st क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट अकर। तो कहाँ कहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं, बिहार, यूपी, अरुणाचल प्रदेश, सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट जो है कंट्री के वास्ट एरिया में फैले हुए हैं, जहाँ पे रेनफॉल अराउंड 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, तो वेटर मार्जिनस भी आपको मिलते हैं। अगर बात करी जाए तो बिहार के अंदर ही आपको मिल जाएंगे, यूपी के अंदर भी मैप के ऊपर मैं दिखाऊंगा आपको मिल जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश इज नॉट करेक्ट हियर, तो तीसरा एलिमिनेट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में किस तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पहले जो दो ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया, इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। दे आर कंसिडर टू बी अ ब्रिज बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट। तो मेडिटेरेनियन जो फॉरेस्ट है वो टेम्परेट और ट्रॉपिकल के बीच में एक ट्रांजिशन का रोल प्ले करते हैं। दे आर ऑल्सो कोल्ड एज वुडलैंड श्रब, इनको वुडलैंड श्रब के तौर पर भी जाना जाता है, हो सकता है। दे हैव कोल्ड ड्राई विंटर्स एंड माइल्ड रेनी समर्स, तो जो विंटर्स है कोल्ड ड्राई होती है, समर माइल्ड रेनी होती है। दे आर ऑब्जर्वड इन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड कैलिफोर्निया, लोकेशन दे रखी है, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो देखिए, क्योंकि समर जो है यहाँ की वो हॉट एंड ड्राई होती है। ठीक है, सो हॉट एंड ड्राई समर, माइल्ड एंड रेनी विंटर्स। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। ये इतनी क्रूशियल स्टेटमेंट थी कि जब आपने इसे एलिमिनेट कर दिया तो आंसर आपके अपने आप ही बी आ जाएगा। दे आर कंसिडर टू बी ब्रिज बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट, तो यस ट्रांजिशन फेज में रहते हैं ट्रॉपिकल टेम्परेट के बीच के, ब्रिज कहलाते हैं, वुडलैंड श्रब भी इनको कहा जाता है, और लोकेशन जो है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कैलिफोर्निया में ये पाए जाते हैं, जो कि अभी मैं आपको मैप पे दिखाने वाला हूँ। सो दिस इज द रीजन वे दे आर फाउंड, साउथ अफ्रीका वाला रीजन है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया है, चिली वाला है एंड कैलिफोर्निया रीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ई ग्रीन वॉच को लेकर है, पूछा कि ई ग्रीन वॉच को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। तो इट इज़ एन इंटीग्रेटेड ई गवर्नमेंट पोर्टल अंडर द एनजीटी, एनजीटी के अंदर कोई ये ई गवर्नमेंट पोर्टल है। इट एम्स एट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेसेस रिलेटेड टू प्लांटेशन एंड अदर फॉरेस्ट्री वर्क्स, तो जो प्लांटेशन फॉरेस्ट्री वर्क्स है उसकी इफेक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए है। एंड इट शैल बी एक्सेसिबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स एंड द पब्लिक एट लार्ज, तो एक्सेस जो है पब्लिक एट लार्ज और स्टेक होल्डर्स को दिया गया है ई ग्रीन वॉच का, सोचिए। चलिए, तो ई ग्रीन वॉच जो है एक इंटीग्रेटेड ई गवर्नेंस का पोर्टल है, जिसे कैंपा के अंदर बनाया गया है। कैंपा क्या है, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, सो एनजीटी के अंदर नहीं है, इस वजह से पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है और आप बी और डी को एलिमिनेट कर लीजिए। अब थर्ड तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि ए और सी ही बचे, इट मींस स्टेक होल्डर्स और पब्लिक एट लार्ज को एक्सेस इसका दिया गया। सेकंड जो स्टेटमेंट है ये बताएगी कि आपका जो ऑप्शन है कौन सा करेक्ट है, क्या इसमें इफेक्टिव मैनेजमेंट करी जाएगी प्रोसेस रिलेटेड टू प्लांटेशन को लेकर, फॉरेस्ट्री वर्क को लेकर, कॉमन सेंस स्टेटमेंट है, तो यस इसमें ऐसा किया जाने वाला है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये एक तरीके का ऑनलाइन सिस्टम है जो कि बेसिकली प्रेजेंट करेगा डेटा को इन रियल टाइम और एक्सेसिबल होगा सभी स्टेक होल्डर्स को। ठीक है, इट विल ऑल्सो अलाउ फॉर मॉनिटरिंग, इवेल्यूएशन को मॉनिटर करना, सोशल एंड इकोलॉजिकल ऑडिट्स करना, ये सब चीज़ें इसके थ्रू करी जा सकेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शोला फॉरेस्ट को लेकर है, मैप पर भी देखेंगे इसके बारे में हम।
पहले तीन स्टेटमेंट्स देख लेते हैं क्योंकि पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर एवरग्रीन स्टंटेड ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे दिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है एवरग्रीन है, स्टंटेड है और माउंटेन फॉरेस्ट है, हो सकता है। दे अकर इन द हायर रेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय की हायर रेंजेस के ऊपर ये पाए जाते हैं, ये भी हो सकता है। द एंडेंजर्ड नीलगिरी तहर इज फाउंड हियर। तो नीलगिरी तहर जो एक स्पीसीज है उसका नाम भी दे दिया कि वो यहाँ पे पाई जाती है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं शोला फॉरेस्ट के बारे में बात करें। शोला फॉरेस्ट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फॉरेस्ट जो कि साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ नॉट फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय क्योंकि वहाँ पे माउंटेन टाइप के फॉरेस्ट हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है, इवन तो ये भी माउंटेन टाइप के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, बट नेचर जो है दोनों का अलग है। सो दे आर नॉट फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, ध्यान रखिएगा, रादर दे आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के अंदर ये पाए जाते हैं। ये चीज़ हो गई। इसके बाद एवरग्रीन टाइप के होते हैं, स्टंटेड ट्रॉपिकल माउंटेन टाइप के फॉरेस्ट हैं। इसके आइसोलेटेड पैचेस आपको वैलीज में मिल जाएंगे, ग्रासलैंड में मिल जाएंगे और यूजुअली हायर रेंजेस जो वेस्टर्न घाट है हमारा उसकी हायर रेंजेस के ऊपर ये जो फॉरेस्ट हैं ये पाए जाते हैं। इसमें आपको बेसिकली जो पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज है नीलगिरी से मिलके, आपको नीलगिरी तहर से लेके टाइगर, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स ये सब यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। लोकेशन एक बार दिखा देता हूँ, तो जो जो स्टेट्स कवर किए हुए हैं, महाराष्ट्र कवर किया है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 जो कि मैंग्रोव्स को लेके पूछा गया। मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर प्रोग्राम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज़ को चेयर्ड बाय IUCN एंड UNDP, दोनों ने इसे चेयर किया है। इट प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन द कोस्टल इकोसिस्टम कंजर्वेशन। तो जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसकी कंजर्वेशन कैसे करनी है ये मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर प्रोग्राम के अंदर आता है। इन इंडिया इट इज़ ओवरसीन बाय NCB, नेशनल कोऑर्डिनेशन बॉडी के द्वारा ये ओवरसी किया जा रहा है। सोचिए, चलिए, MFF दैट इज मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर एक यूनिक पार्टनर लेड इनिशिएटिव है जो कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा कोस्टल इकोसिस्टम कंजर्वेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसे IUCN UNDP ही चेयर करते हैं, नाम याद होना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं UPSC के द्वारा। NCB जो है इसको ओवरसी करेगा और यहाँ पे जो हमारा कोस्टल रीजन है वहाँ पे इकोसिस्टम कंजर्वेशन कैसे, इकोसिस्टम जो हमारे हैं वहाँ पर उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देता है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक हैं, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं जो कि पूछ रहा है रिसेंटली द साइक्लोन बैरी हिट लुइसियाना कोस्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को आप कंसीडर करें और बताएं करेक्ट कौन सी है। पहली कहती है दे आर वायलेंट स्टॉर्म्स ओरिजिनेट्स ओवर ओशंस हैविंग वेरी लो प्रेशर एरिया। तो यहाँ पे साइक्लोन्स के बारे में बता रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में बता रहे हैं कि दे आर वायलेंट स्टॉर्म्स, ये जो होते हैं वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं जो कि कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, ओशंस के ऊपर और लो प्रेशर एरिया के ऊपर। चलिए, दे आर कोल्ड हरिकेन्स ओवर नॉर्थ एटलांटिक ओशन एंड विली विली इन नॉर्थ पैसिफिक ओशन। तो लोकेशन वाइज उसका नाम चेंज हो रहा है, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, दे आर वायलेंट स्टॉर्म्स जो कि ओरिजिनेट होते हैं ओशंस के ऊपर, ट्रॉपिकल एरियाज के ऊपर। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। होता क्या है, वहाँ से ओरिजिनेशन होने के बाद ये मूव करना शुरू करते हैं लैंड की तरफ, सो कोस्टल एरियाज की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, लार्ज अमाउंट में डेवस्टेशन जो है वो क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रक्शन जो है वो इनकी वजह से आती है। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। अब बात करें क्या अटलांटिक के अंदर इसको हरिकेन कहते हैं, नहीं, वेरियस नेम्स जो है वो जगह जगह के हिसाब से हैं, जैसे कि हरिकेन्स इनको कहा जाता है और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन के अंदर, हरिकेन्स इसको नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक वाले रीजन में कहा जाता है और विली विली इसे वेस्टर्न पैसिफिक जो आपका ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है वहाँ कहा जाता है। सो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। नॉर्थ टू साउथ आपको बताना है कि कौन कौन से आइलैंड पहले नॉर्थ में आते हैं, फिर धीरे धीरे उसे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आपको बताना है पहले कौन सा आता है और फिर उसके बाद कौन सा आता है। पलाव दिया है, पापुआ न्यू गिनी दिया है, हवाई आइलैंड दिया है एंड फिलीपींस दिया है, सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले आता है हवाई आइलैंड, नॉर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैप पे भी देखेंगे, फिर आता है फिलीपींस, देन पलाव एंड देन पापुआ न्यू गिनी। चलिए एक बार मैप पे देख लेते हैं, पलाव यहाँ पे लोकेट करता है, सो दिस इज पलाव और हमसे पहले क्या पूछा गया था, सबसे पहले कौन सा आ रहा था, हवाई देन फिलीपींस। तो हवाई में दिखा देता हूँ एक बार आपको, हवाई, दिस इज हवाई, फिलीपींस, पलाव एंड पापुआ न्यू गिनी, यही हमने ऑर्डर देखा है। तो पूछ सकते हैं ऐसे आपसे, अंडमान वाले जो आइलैंड्स हैं, निकोबार वाले, वो भी नॉर्थ टू साउथ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रोजन साइकिल को लेकर है, पूछा गया नाइट्रोजन साइकिल को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है।
पहली स्टेटमेंट कहती है यहाँ पे, नाइट्रोजन इज अ गैसियस फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाइट्रोजन एक गैसियस फॉर्म होती है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं. नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय लाइटनिंग एंड कॉस्मिक रेडिएशन. लाइटनिंग और कॉस्मिक रेडिएशन से नाइट्रोजन को फिक्स किया जा सकता है. बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट नाइट्रेट्स इंटू फ्री नाइट्रोजन. बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रेट को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकता है. सोचिए फिर डिस्कस करते हैं. चलिए डिस्कस करते हैं. तो पहली जो स्टेटमेंट है, नाइट्रोजन इज गैसियस फॉर्म, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ऐसा नहीं है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से यूज नहीं कर सकते. सर्टेन स्पीसीज ऑफ सोइल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, केपेबल होते हैं इसको डायरेक्टली यूज करने के लिए. तो यहां पे पहली स्टेटमेंट हो जाती है आपकी इनकरेक्ट. सेकंड को देखिए, नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड इन एटमॉस्फेयर बाय लाइटनिंग एंड कॉस्मिक रेडिएशन. तो यस, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है. किस तरीके से? ज़्यादातर जो नाइट्रोजन होती है, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द फ्री नाइट्रोजन इज द 90% ऑफ द फिक्स्ड नाइट्रोजन इज बायोलॉजिकल. तो 90% फिक्स्ड नाइट्रोजन जो होती है वो बायोलॉजिकल होती है. प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फ्री नाइट्रोजन जो होता है वो सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो होता है वो लाइटनिंग और कॉस्मिक रेडिएशन से भी फिक्स होता है. थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, बैक्टीरिया जो है कैन कन्वर्ट नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन. देखिए, कुछ टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्राइट्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है. देन देयर आर अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो कि क्या करता है, नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर देता है फ्री नाइट्रोजन के अंदर. इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन. तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है. आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी सी, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. नेक्स्ट चलते हैं, बायोम को लेकर है. बेसिकली यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स हमसे पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है. पहली कहती है, बायोम इज अ कम्युनिटी दैट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स ओनली. एक ऐसी कम्युनिटी होती है जिसमें प्लांट्स होते हैं. बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट बायोम्स ऑन लैंड आर डिटरमिन्ड मेनली बाय क्लाइमेट. तो जो वेरियस बायोम्स हैं, मान लीजिए एक जगह पे, उनकी जो बाउंड्रीज है वो कैसे डिसाइड होती है, क्लाइमेट से हो सकता है. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट एंड टंड्रा आर टाइप्स ऑफ बायोम्स. तो ये डिफरेंट टाइप के बायोम्स के नाम दिए गए हैं. सोचिए फिर डिस्कस करते हैं. चलिए देखिए, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करिए. बायोम्स में बेसिकली क्लाइमेट के बेसिस पे डिटरमिन होता है. तो यहाँ पे फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट है, ग्रासलैंड का जो क्लाइमेट है, डेजर्ट टंड्रा का क्लाइमेट अलग अलग होता है. तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक हो जाती हैं. लेकिन पीछे हमने पढ़ा था कि जो बायोम होता है, इट्स अ कम्युनिटी, वेरियस कम्युनिटीज जो है आपकी यहाँ पे पाई जाती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके अंदर प्लांट्स होंगे, ये ओनली की वजह से गलत हो जाता है. एनिमल्स भी इसके अंदर हो सकते हैं. तो आंसर हमारा क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर. 80th क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप. तो कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो कि एशिया को यूरोप से अलग करती है? क्या एंडीज है, यूरल्स है, रॉकी है, एटलस है? सोचिए. चलिए, इजी क्वेश्चन है. यूरल माउंटेन जो है ये पूरी रेंज अलग करती है किसको, एशिया को यूरोप से या यूरोप को एशिया से, ये आप देख सकते हैं. चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज ऑल द थ्री मेजर लैटिट्यूड्स पासिंग थ्रू इट. तो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों लैटिट्यूड जा रहे हैं, चाहे वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, इक्वेटर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो? सोचिए. चलिए, करेक्टली आंसर किया काफ़ी लोगों ने, अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर. ऐसा अपने आप में कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों ही जो आपके यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82nd. Which of the following is the primary reason for changing of the length of the day and night? तो day and night जो है उसकी जो length change होती है वो किस वजह से होती है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर. क्या rotation of earth on its axis की वजह से होती है, revolution of earth around the sun की वजह से होती है, या tilt of the earth rotation axis की वजह से होती है? चलिए डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे रोटेशन ऑफ द अर्थ अगर हम देखें, रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या होता है, अगर अर्थ रोटेट करती है तो डे और नाइट इसकी वजह से होते हैं, ठीक है. सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द लेंथ. डे और नाइट की लेंथ से इसका कोई लेना देना नहीं है. जो दिन और रात हम एक्सपीरियंस करते हैं वो अर्थ के रोटेट होने की वजह से होते हैं. तो हमारे लिए ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा. रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, देखिए रेवोल्यूशन इज समहाउ रिलेटेड टू सीजनैलिटी. पेरिहिलियन, एपिहिलियन पे जाती है आपकी अर्थ, और वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, जो अमाउंट ऑफ हीट जो अर्थ आपकी लेगी, वो इस पर डिपेंड करता है कि वो पेरिहिलियन लोकेशन पे है या एपिहिलियन लोकेशन पे है. तो ये जो है ये भी प्राइमरी रीजन नहीं है. टिल्ट ऑफ द अर्थ, देखिए टिल्ट ऑफ द अर्थ जो होता है ना, उससे डिपेंड करता है कि जो सन की रेज है वो कितनी आपकी जो टिल्ट है उस पर पड़ेगी या नहीं पड़ेगी. और यहाँ से लेंथ जो होती है डे और नाइट की वो डिसाइड होती है. अगर टिल्ट टुवर्ड्स द सन होता है तो वहाँ पे जो रेज है, जैसे कि यहाँ पे सदर्न जो है पोल आपका, वो अर्थ के टुवर्ड्स टिल्ट है. मान लीजिए अर्थ की रेज यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे जो डे है वो बड़ा होगा और दूसरी साइड जो नाइट है वो बड़ी होगी.
ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर प्राइमरी रीज़न की बात करें सो जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। टिल्ट ऑफ द अर्थ रोटेशनल एक्सिस जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 83 बात करता है, विद रेफरेंस टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। मेजर परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ सर्फेस इज फ्रेश वाटर, तो ज़्यादातर परसेंटेज जो है वो फ्रेश वाटर की है अर्थ के ऊपर। मेजर परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज ट्रैप्ड इन ग्लेशियर एंड पोलर आइस कैप, तो ज़्यादातर ये ट्रैप कहाँ पर है, ग्लेशियर के अंदर, आइस कैप्स के अंदर। मॉइस्चर इन सॉयल होल्ड्स मोर वाटर देन अवेलेबल इन रिवर, तो मॉइस्चर के अंदर ज़्यादा पानी है कंपेयर टू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। सोचिए फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए अगर देखिए कंपोजिशन की बात करी जाए तो 97% जो वाटर होता है हमारे यहाँ पे, ये जो वाटर है ओशंस में पाया जाता है और ये सेलाइन वाटर होता है और किसी काम का नहीं है जब तक कि डीसेलिनेशन का प्रोसेस इस पर ना अप्लाई किया जाए। 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, इसी वजह से पहली स्टेटमेंट जो है परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ सर्फेस फ्रेश वाटर गलत हो जाती है, इसकी वजह से ए और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। और तीसरी स्टेटमेंट क्योंकि दोनों ही बचे हुए ऑप्शन में दी गई है वो अपने आप ही करेक्ट हो जाती है। मॉइस्चर जो है इन सॉयल वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मॉइस्चर इन सॉयल होल्ड्स मोर वाटर देन अवेलेबल इन द रिवर एंड स्ट्रीम्स। अब आती है सेकंड स्टेटमेंट की बारी, मेजर परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर का है क्या वो ग्लेशियर और पोलर आइस कैप में ट्रैप है, तो यस सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 बात करता है कि बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये भी ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा गया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू इट इज़ नेसेसरी दैट द एयर टेम्परेचर इज अबव और इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट, जब आपको ड्यू बनानी होती है ड्यू की फॉर्मेशन के लिए जो एयर टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट से अबव होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट एयर टेम्परेचर मस्ट बी एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे उसका होना चाहिए। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए आपने कई बार वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कूलर सर्फेसिस पे देखे होंगे, इवन जैसे ही आप कोई एक जो कोल्ड ड्रिंक है वो गिलास में डालते हैं तो उसके बाहर की तरफ ड्यू जो होती है वो फॉर्म होने लगती है। तो इसके लिए जो आइडियल कंडीशन होती है अगर हम अपने एनवायरनमेंट की बात करें तो इसके लिए क्लियर स्काई की ज़रूरत होती है, काम एयर होनी चाहिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और इसका जो ड्यू पॉइंट है दैट शुड बी अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट इस वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट के लिए जो एयर टेम्परेचर है वो बिलो होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट के, सेकेंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पीसीज विच इज़ नॉट द नेचुरल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ लोकल हैबिटेट, एक जगह के लोकल हैबिटेट के ऊपर जो स्पीसीज है वो उसके नेचुरल इनहेबिटेंट्स नहीं है बट इज़ इंट्रोड्यूस इन दैट सिस्टम, लेकिन उस सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए उनको क्या कहा जाता है, क्या एंडेंजर्ड कहा जाता है, वल्नरेबल, एग्जॉटिक, रेयर, सोचिए। चलिए आंसर हो जाएगा सी। मान लीजिए कोई ऐसी वेजिटेबल है या कोई ऐसा फ्रूट है या फिर ऐसा कोई फ्लावर है जो कि सिर्फ यूएस में पाया जाता है, लेकिन हमने क्या किया उसको यूएस से लाके इंडिया में भी उगाना शुरू कर दिया, तो वो हो जाएगा एग्जोटिक। आपने काफ़ी सारे जो ऑनलाइन आपके ग्रोसरी शॉपिंग के स्टोर्स होते हैं उसमें देखा होगा एग्जोटिक वेजिटेबल्स, एग्जोटिक फ्रूट्स, तो वो इस तरीके के होते हैं जो नेटिव नहीं है हमारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हरप्पा के बारे में बात करता है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट हरप्पा, हरप्पा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है इट एमर्ज्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, इंडस रिवर के बैंक पे ये जो पूरी ये सिविलाइजेशन है उसका इमर्जेंस हुआ है, हो सकता है। इट स्प्रेड अक्रॉस नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न ईस्टर्न इंडिया में ये स्प्रेड हुई है, सोचिए। चलिए तो यहाँ पे मैं आपके ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो रिवर इंडस के जो हमारा ऊपर J&K वाला रीजन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और साथ में ही जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला हमारा रीजन है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आपको ये इसका जो स्प्रेड है वो देखने को मिलेगा हरप्पा का, तो नॉर्थ वेस्टर्न में मिलता है लेकिन ईस्टर्न इंडिया नहीं, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, जैसे नीचे जो गुजरात है जहाँ पे आपको लोथल मिल जाएगा, कालीबंगन, राजस्थान मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी जो सिविलाइजेशन है इसका विकास हुआ है, तो ईस्टर्न इंडिया नहीं है वेस्टर्न इंडिया है। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, ये स्टेटमेंट ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए यहाँ पर वेरियस साइट्स दे रखी हैं और पूछा गया कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है, जैसे कि हरप्पा जो है क्या वो स्कल्पचर और डॉग चेजिंग अ डियर इसके लिए फेमस है, मोहनजोदड़ो सिटाडेल के लिए, धोलावीरा ग्रेनरी के लिए, लोथल वाटर हार्नेसिंग के लिए, सोचिए।
चलिए, तो जो पहली स्टेटमेंट है, जो हरप्पा है वो स्कल्पचर यहाँ पाया गया है जिसमें डॉग जो है डियर को चेस कर रहे हैं। प्रोबेबली उस टाइम लोग शिकार के लिए डॉग को यूज़ किया करते थे, तो पहली जो स्टेटमेंट हो जाती है वो ठीक है, पहला पेयर आपका करेक्टली मैच कर जाता है। सिटेडल जो है वो भी आपको मोहनजोदारो में मिल जाता है। सिटेडल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, बताइएगा मुझे, कुछ आपको याद आ रहा होगा, एक अपर रीजन एक लोअर रीजन कुछ ऐसा करके मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आते हैं थर्ड के ऊपर, धोलावीरा के अंदर। देखिए, धोलावीरा इज़ फेमस फॉर वाटर हार्नेसिंग, तो वाटर हार्नेसिंग जो है वो ज़्यादा यहाँ पर करी जाती थी। और अगर आप चाहें तो इसमें राज्यसभा का एक एपिसोड भी बनाया जिसमें धोलावीरा के बारे में अच्छे से बताया कि किस तरीके से वाटर इंजीनियरिंग वहाँ पर करी जाती थी। और जो लोथल है वो किस लिए जाना जाता है, लोथल इज़ नोन फॉर प्रैक्टिस ऑफ बरियल ऑफ क्रिमेटेड रिमेन्स, जो क्रिमेशन के बाद जो रिमेन्स रह जाते थे उसको बरी करने के लिए जाना जाता है। तीसरा और चौथा जो था यह मैच नहीं किया, तो आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैनचेस्टर के तौर पर किसको जाना जाता है, कालीबंगन, लोथल, सरकटोड़ा, मेहरगढ़। सोचिए, आंसर है हमारा ए, कालीबंगन। चलिए, तो आंसर हमारा यहाँ पे बी, लोथल। लोथल को मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के तौर पे भी जाना जाता है। कहाँ पे लोकेट करता है, गुजरात में। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट साइट फॉर नेवल ट्रेड, तो नेवी जो आपका बेसिकली शिप्स जो हैं उनका ट्रेड किया जाता था। यहाँ पे जो आपके डॉक्स थे वो भी अवेलेबल थे, डॉक यार्ड अवेलेबल था। साथ में ही किस चीज़ के लिए और जाना जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि बरियल ऑफ क्रिमेटेड रिमेन्स के लिए जाना जाता है, राइस हस्क के लिए जाना जाता है, और मॉडर्न डे जो चेस है वो भी यहाँ पर खेली जाती थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लोथल को लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 बात करता है कौन कौन से फीचर्स हैं ये और किस साइट के हैं, जहाँ पे ग्रेट बाग भी था, ग्रेट ग्रेनरी भी थी, डांसिंग गर्ल भी थी, पशुपति सील भी थी। सोचिए, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आंसर हमारा है यहाँ पर मोहनजोदारो, तो बी इज द करेक्ट आंसर। लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हरप्पा देख सकते हैं पाकिस्तान में फॉल करता है, मोहनजोदारो भी यहीं है, लोथल गुजरात में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, कालीबंगन यहाँ पे राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90th बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है सील्स ऑफ हरप्पा के बारे में, हरप्पा की सील्स के बारे में। पहली कहती है स्टेटमेंट, देवर फाउंड इन स्क्वेयर, ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर शेप, अलग अलग शेप्स में पाई जाती थी वो। देवर मेड अप ऑफ कॉपर, गोल्ड एंड आइवरी, तो वेरियस टाइप्स के जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उससे इसको बनाया जाता था। द स्क्रिप्ट ऑन सील वॉज यूनिडायरेक्शनल, जो स्क्रिप्ट थी वो यूनिडायरेक्शनल थी, मतलब एक साइड से एक डायरेक्शन की तरफ थी। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग शेप्स की आती थी, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, साथ में आपका ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, इन शेप्स की सील्स मिल जाती थी। और ये किस किस चीज़ से बनी होती थी, कॉपर, गोल्ड, आइवरी से बनी होती थी। लेकिन जो स्क्रिप्ट है, जैसे आज स्क्रिप्ट यूनिडायरेक्शनल है, हम हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन उस टाइम वो बाई डायरेक्शनल थी। तो यहाँ से लोग लिखते थे इस डायरेक्शन में, फिर वापस इस डायरेक्शन में लिखते थे, फिर इस डायरेक्शन में लिखते थे, फिर इस डायरेक्शन में लिखते थे। ठीक है, तो इस तरीके की स्क्रिप्ट हुआ करती थी। आंसर हो जाएगा अभी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92nd बात करता है आपको मैच करना है सरकटोड़ा गुजरात, बनावली हरियाणा, मेहरगढ़ यूपी। सोचिए। चलिए, अभी मैंने आपको बताया था कि मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो मेहरगढ़ इज इन पाकिस्तान, और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रीकर्सर के तौर पे भी देखा जाता है। अगर सरकटोड़ा की बात करें तो ये हमारा कहाँ पर है, गुजरात में, बनवाली जो है हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज फेमस फॉर फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स, तो पहले एक्चुअल रिमेन्स हॉर्स बोन्स के कहाँ मिले थे, बनवाली, सरकतोदा, अलमगीरपुर, धोलावीरा। चलिए, आंसर हमारा है सरकतोदा, बी इज द करेक्ट आंसर। फैक्चुअल क्वेश्चन रहेंगे एंशियंट इंडिया के अंदर ज़्यादातर आपके, लेकिन अगर फोटोज आपने देख रखी है तो आंसर करना आपको काफ़ी आसान हो जाएगा, विजुअल मेमोरी में आपके बैठ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट अपरेस्ट सिटेडल, अपरेस्ट सिटेडल को लेकर कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। इट वॉज ऑन द वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न डायरेक्शन में था ये, इट इंक्लूड्स ग्रीनरीज, कोर्ट यार्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। सोचिए। चलिए देखिए, सिटेडल वेस्टर्न डायरेक्शन में था, ऊंचा था कंपेयर टू ईस्टर्न डायरेक्शन। ईस्टर्न डायरेक्शन में जनरल पब्लिक के घर थे, लोग रहते थे, यहाँ पर ग्रीनरी थी, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी, और ऊंचाई पर भी था कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 94th, जो कि कह रहा है कि सिटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है सम हाउसेज हैड स्टेयर्स इंडिकेटेड देवर डबल स्टोरी, तो सीढ़ियाँ मिली हैं कुछ घरों के अंदर। मोस्ट बिल्डिंग्स हैं प्राइवेट वेल्स, काफ़ी सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर अपने ही वेल्स हुआ करते थे, कुएँ हुआ करते थे, एंड प्रॉपरली वेंटिलेटेड थे। इट वॉज लोकेटेड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी, लोअर पार्ट ऑफ द सिटी पर ये लोकेट करते थे। सोचिए।
चलिए, मैंने आपको बताया सिटेडल ऊंचाई पे था, बाकी तो आपकी सिटी ही थी, ठीक है। तो यस, ये लोअर पार्ट पे थे, बात तो ठीक हो गई। लोग कुछ लोगों के अपने प्राइवेट वेल्स थे। देखिए उस टाइम भी कुछ लोग अलग नहीं थे, बिल्कुल जैसे आज के लोग होते हैं। आज में भी क्या होता है, जैसे जिन लोगों के पास रिसोर्सेज होते हैं उनके पास अपने टू व्हीलर्स होते हैं, अपनी कार्स होती हैं, उनके पास नंबर ऑफ रूम्स भी ज़्यादा होते हैं, डबल स्टोरी हाउसेज होते हैं, कुछ इस तरीके से। वहाँ पर भी जो लोग एफ्लुएंट थे कंपेरेटिवली, उनके अपने प्राइवेट वेल होते थे, प्रॉपरली वेंटिलेटेड घर होते थे, और साथ में ही डबल स्टोरी भी वहाँ पर घर पाए जाते थे। 95th क्वेश्चन को देखते हैं। सील के बारे में पूछा गया कि कौन कौन से एनिमल्स को सील पे दिखाया गया है। बाइसन, टाइगर, काओ, एलिफेंट, सोचिए। चलिए, काओ को छोड़ के बाकी तीनों को दिखाया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 बात करता है हरप्पा के बारे में। पूछा गया व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट इज हरप्पा फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी कल्चर इन वेस्ट एशिया। तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसे कंटेम्प्रेरी कल्चर्स जो कि वेस्ट एशिया में मिलते थे उनसे अलग करती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्लान्ड इट्स सिटीज विद क्लास विद चेसबोर्ड सिस्टम। चेसबोर्ड सिस्टम के हिसाब से उन्होंने अपनी सिटी को यहाँ पर डिज़ाइन किया था, स्ट्रीट ड्रेनेज सिस्टम बनाए थे। सेकेंड, हरप्पन साइट्स हैड रेक्टेंगुलर हाउसेज। रेक्टेंगुलर हाउसेज थे यहाँ पे, स्टेयरकेस थे। The people of Western Asia showcased much better skills in the use of burnt brick than Harappa. तो Western Asia की जो empires थी वहाँ पर better skills उन्होंने दिखाए थे construction के अंदर, सोचिए। चलिए सबसे पहले तो तीसरी स्टेटमेंट को एलिमिनेट करिए। हरप्पा को जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की बर्न ब्रिक्स को यूज़ करके इमारतें बनाई गई थी वो अनप्रेसिडेंटेड थी। तीसरी स्टेटमेंट, जब इतनी क्रूशियल स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट करते हैं तो बाकी बची हुई दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ की जो सिविलाइजेशन थी काफ़ी प्लान थी, क्रिस क्रॉस चेस फॉर्मेट में बनाई गई थी, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था, स्टेयरकेसेस यूज़ करे गए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था हरप्पन्स डिड नॉट यूज़ मेटेलिक मनी बट पोजेस्ड नेसेसरी रॉ मटेरियल फॉर ऑल कमोडिटीज दे प्रोड्यूस। तो यहाँ पे मेटेलिक मनी नहीं थी लेकिन जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी रॉ मटेरियल की वो उनके पास थी। हरप्पन्स न्यू द यूज़ ऑफ व्हील, व्हील का कैसे इस्तेमाल करना है उनको पता था। हाउएवर कार्ट्स विद सॉलिड व्हील्स वर नॉट इन यूज इन हरप्पा। लेकिन सॉलिड व्हील्स के साथ कार्ट्स को यूज़ नहीं किया करते थे, सोचिए। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो मेटेलिक मनी दे डिड नॉट यूज़ द मेटेलिक मनी, सो येस हरप्पन डिड नॉट यूज़ द मेटेलिक मनी, बट सिमिलरली नीदर दे पोजेस नेसेसरी रॉ मटेरियल। तो उनके पास रॉ मटेरियल भी नहीं था और मेटेलिक मनी भी यूज़ नहीं करते थे, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। हरप्पन्स न्यू द यूज़ ऑफ व्हील, ठीक है, लेकिन उनके पास सॉलिड व्हील विद कार्ड भी अवेलेबल थे, ठीक है। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है। और आपसे पूछा था इनकरेक्ट कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है इन अ टेराकोटा फिगरीन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो अ प्लांट इज शोन ग्रोइंग आउट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ वुमेन। तो इसमें मोहनजोदारो में जो टेराकोटा फिगर है इसमें प्लांट दिखाया गया है जो कि वुमेन के एम्ब्रियो से निकल रहा है और ग्रो हो रहा है। द हरप्पन डिड नॉट कीप गॉड्स इन द टेम्पल अ प्रैक्टिस विच वॉज कॉमन इन एंशियंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। हरप्पन जो थे अपने भगवानों को टेम्पल के अंदर नहीं रखते थे, ये प्रैक्टिस इजिप्ट और मेसोपोटामिया में भी फॉलो करी जाती थी। हरप्पन कल्चर इज पुअर इन आर्टिस्टिक वर्क एंड स्टोन। तो मेड ऑफ स्टोन मतलब जो वर्क है वो ज़्यादातर स्टोन का किया गया, और आर्टिस्टिक तरीके से बात करी जाए तो पुअर माना जाएगा उसको। चलिए तो यहाँ पे अगर बात करी जाए हरप्पा डिड नॉट कीप द गॉड्स इन टेम्पल, तो यस ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। इजिप्ट मेसोपोटामिया में भी ऐसा किया जाता था, और अगर हम इजिप्ट और मेसोपोटामिया के स्कल्पचर से कंपेयर करते हैं तो उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। टेराकोटा फिगर जो मोहनजोदड़ो में डिस्कवर करी गई ये पहली स्टेटमेंट बात कर रही थी। फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर देखें तो ये जो पर्टिकुलर जो इमेज बता रखी है ये मिलती है हरप्पा के अंदर, तो इसलिए पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। पूछा गया एडवेंट ऑफ आर्यंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल टू प्ले अ पार्ट इन आर्यन लाइफ वॉज हम्प्ड बुल। तो बुल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। द ऋग्वेदा विच इज द ईजिएस्ट स्पेसिमेन ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द आर्यंस। तो ऋग्वेदा के अंदर आर्यंस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द ईरानियन लैंग्वेज अवेस्ता हैज सिमिलैरिटीज विद ऋग्वेदा ऑफ आर्यंस। आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सी है। चलिए तो आर्यंस के बारे में बात करें 2000 BC ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल था इनके लिए था हॉर्स, ना कि हम बुल, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो यस ऋग्वेदा जो है अर्लीस्ट स्पेसिमेन देता है आर्यंस के बारे में, और ये चीज़ जो ईरानियन आपकी लैंग्वेज की जो वेरियस जो टेक्स्ट है उसमें भी पाई जाती है। आंसर क्या होगा, ए नहीं, आंसर ए नहीं होगा, बी होगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट बताना था। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। तो आर्यंस के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। चार स्टेटमेंट्स है, रीड करिए, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करेंगे।
चलिए देखिए, आर्यंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि हॉर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था उनकी लाइफ में, तो बी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल हमारी करेक्ट है। आर्यंस पोसेस चैरियट्स ड्रिवन बाय हॉर्सेस एंड इंट्रोड्यूस देम टू वेस्ट एशिया एंड इंडिया। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारे यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। कोई भी आपका डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं, और जो पर्टिकुलर PDF है वो तो आपको exam.netmock.com के ऊपर अवेलेबल है ही। सो ऑल द बेस्ट फॉर द सेकेंड मॉक टेस्ट जो कि बहुत जल्दी होने वाला है, अपकमिंग सैटरडे को, उसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।